यस गुड इवनिंग हेलो 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 गुड इवनिंग सभी को यस 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 ये आ जाइए फटाफट आ जाओ फटाफट आ जाओ फटाफट आ जाओ सभी 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 आ जाओ ठीक है पैंतीस तक हम लोग कर चुके हैं एंड अब छत्तीस नंबर छत्तीस नंबर क्वेश्चन अ बैड हैबिट इज अ हार्मफुल भाई मैंने सेंटेंस वाले पांच लिए और पैराग्राफ वाले भी मैंने पांच लिए ठीक है अब इसमें हिंट क्या है भाई पैराग्राफ वाले थोड़े से इजी होते हैं पैराग्राफ वाले थोड़े से इजी होते हैं क्योंकि क्योंकि उनके अंदर हिंट भाई सबसे पहले तो आपको नाउन देखना होता है और उसके बाद फिर देखना होता है उसका प्रोनाउन मीन्स नाउन के बाद फिर हम देखेंगे प्रोनाउन ये देखेंगे ठीक है तो इसकी भी एक रीडिंग होना बहुत जरूरी है ठीक है एक बार रीडिंग होना बहुत जरूरी है अब बैड हैबिट इज इज हार्मफुल हार्मफुल स्मोकिंग बट हैबिट इज नेचर स्मोकर स्मोकर्स फॉर लाइफ थोड़ा सा मैच कर है और भाई बी जैसे यहाँ बट है तो बट तो तब आता है जब दो सेंटेंस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं फिर आगे बिसाइड्स बीइंग एक्सपेंसिव स्मोकिंग डज इंजरी टू वंस हेल्थ यहाँ भी स्मोकिंग की बात चली और यहाँ भी स्मोकिंग की बात चली ठीक और इन द लॉन्ग रन ही में गेट समथिंग वर्स लंग कैंसर बाय लंग कैंसर ये किसकी वजह से स्मोक स्मोक की वजह से ठीक है और स्मोक की वजह से फिर अ स्मोकर गेट्स भाई यहाँ भी बात आई किसकी स्मोकर और इधर भी बात आई स्मोकर तो ये थोड़ा सा मैच कर रहा है तो एक तो नाउन देखिए फिर प्रोनाउन देखिए और साथ में जो सेम वर्ड है सेम वर्ड है उन्हें भी देखिए ठीक है उधर स्मोकर आया इधर भी ये स्मोकर आया ठीक दे उसके बाद देन दे वाई गेट दैट बैड हैबिट ये सवाल है अब ये सवाल है तो अब हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि भाई उधर भी स्मोकर और इधर भी स्मोकर ठीक है उधर भी स्मोकर इधर भी स्मोकर अब हमको ये देखना है कि पहले किस को ले मला पी को ले या एस को ले तो सबसे पहले तो ये बहुत बहुत धन्यवाद भाई इसी की जरूरत थी क्योंकि इसके बिना तो फिर दिक्कत थोड़ी सी मुझे आ रही थी ठीक है यस दिक्कत मुझे आ रही थी क्योंकि आज सुबह से नहीं मिली ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद भाई यहां या तो पी एस या एस या पी क्लियर? अब पी एस यहां है एस पी भी आया है और पी और एस भी आया है क्लियर है दोनों आसपास होने चाहिए इसका मतलब ये दोनों आंसर नहीं होंगे इन दोनों में से या तो आंसर बी है या फिर सी है अब अपन को ये देखना कि भाई पहले पी आएगा या एस आएगा ये देखना पहले क्लियर अब पहले दोनों को पढ़ के देखते हैं भाई अभी फिलहाल हम वट को तो छोड़ते हैं साइड में हैबिट इज सेकेंड नेचर स्मोकर रिमेन स्मोकर फॉर लाइफ जो धूमर पान करने वाला है वो हमेशा जिंदगी भर सुटाई लगाता रहता है ठीक है और जो स्मोकर होता है गेट्स नथिंग बट स्मोक फॉर हिज मनी अब स्मोकर जिंदगी भर स्मोकर रहता है तो जो स्मोकर होता है वो उसे और कुछ नहीं चाहिए बट स्मोकिंग के लिए पैसा चाहिए तो इसका मतलब पहले तो एक जनरल बात आई जनरल बात आई फिर एक स्मोकर की बात आई तो जनरल बात पहले आनी चाहिए और फिर एक किसी व्यक्ति की बात आनी चाहिए तो इसका मतलब पहले पी आना चाहिए और फिर एस आना चाहिए तो पी और एस हमारा इस ऑप्शन में है इसलिए आंसर हमारा ये हुआ अच्छा वंस ठीक है क्या नहीं मिला अभी बताता हूँ बेटा क्या नहीं मिला यार जिंदगी में ये अपना ही वंश है ठीक है ये ठीक है आपका वंश चलता रहे मजा आ गया ठीक है तो अब यहां पर आंसर हमारा बी हुआ तो जो भी लाइव हैं जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं भाई मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि सबसे मेन चीज बात यह है आपको पैराग्राफ बनाना है जिसमें दो सेंटेंस का, का मैच देख लो जब दो सेंटेंस का मैच देख लो ठीक है तो यहां दो सेंटेंस का मैच में कॉमन चीज क्या थी स्मोकिंग की उधर भी स्मोकिंग की बात चल रही थी सर फिर ये क्यों भी तो आ सकता है ना क्यू भी तो आ सकता है चलिए हम थोड़ी देर के लिए ये भी माने कि भाई क्यू इधर भी हो सकता है क्यू इधर भी हो सकता है ठीक है हो सकता है क्यू इधर भी हो तो क्यू पी या पी क्यू या क्यू एस या एस क्यू अब ये जोड़ा बना के देख लो क्यू एस कहीं आ रहा है क्या एक ये इधर आ रहा है ठीक है पर और कहीं आ रहा है क्यू एस क्यू एस इधर भी आ रहा है तो सर ये आंसर क्यों नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां स्मोकिंग की बात और इधर बात किसकी चल रही है स्मोकर्स की बात चल रही है तो जब एक सेंटेंस में स्मोकर की बात है तो दूसरे सेंटेंस में भी तो स्मोकर की बात होनी चाहिए ना इसलिए हमने ये क्यू को नहीं लिया क्यू को नहीं लिया इसलिए हमने ये वाले फॉर्मेशन को लिया ठीक है तो आंसर हमारा बी हो गया चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा थर्टी सेवन अब जैसे उसका हिंट देखा वैसे इसका भी हिंट ढूंढने की कोशिश करें तो जब तक मैं चाय के एक सिप लेता हूं आप जरा पढ़ के देख लो कि क्या हो सकता है भाई एक आंसर आया सी और कोई आंसर सर आप क्या पढ़ा रहे हो आज बेटा हम इंडिया का चल रहा है इंडिया में पैंतीस क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पचास पचास क्वेश्चन के सेट बनाए हैं और पीक्यू सिस्टम चल रहा है इसे कल वाला वीडियो इसे वाला वीडियो 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 देखिए देखिए इससे पहले उसके बाद आप इस वीडियो से लिंक करो आपको समझ में आ जाएगा मैंने हमेशा हर वीडियो को क्लाइमेक्स पे ही छोड़ूंगा एक साथ ही दो घंटे के अंदर पूरे पचास क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा मैं क्यों ये बाबूराव का स्टाइल एक तो ये बात दूसरी बात हर चीज भाई बाहुबली ने नहीं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा तो दूसरा सीक्वेंस बनाया ना तभी और उसको तो पब्लिक को देखना पड़ा देखना पड़ा तो आपको भी उसी तरह से मेरे पहले वाले वीडियो भी देखने पड़ेंगे तब समझ में आएगा अच्छा बाहुबली ने नहीं मारा नहीं कटप्पा ने मारा ठीक है तो कट अप कट ये एक फ्रेजल वर्ब भी है जिसका मतलब है कटौती करना क्लियर तो हाँ, पूरी चीज ए टू जेड नहीं होगी एक ही वीडियो के अंदर उसका थोड़ा पार्ट आगे भी होगा जैसे सीरियल्स में होता है वैसे ही दो तारीख तक सीरियल ही चलाऊंगा और हर चीज अधूरी छोड़ूंगा ताकि अगला वीडियो आप जरूर देखें ठीक है सस्पेंस रहेगा वैसे ही जैसे सास के हाथ में बंदूक होती है और सीधी साधी बहू अभी जस्ट किटी पार्टी से आई है और थोड़ी सी सुट्टा लगा के आई है सीधी शादी बहू जींस टॉपर वाली और उसके बाद उसने निशाना साधती है और ट्रिगर पर जैसे उंगली जाती है घर के जितनी महिलाए लोग हैं सबके फेस पे कैमरे जाते हैं एक्सप्रेशन लेते हैं और उसके बाद यस सब सांस रोक के बैठते हैं हाँ अभी जस्ट गोली चलेगी और ये सीधी साधी बहू उड़ जाएगी पर तभी आ जाता है टू बी कंटिन्यू तो फिर अगला सीरियल देखना पड़ता है ना अगला उसका एपिसोड देखना पड़ता है ठीक है तो उसी तरह से ये तो ये पी क्यू आर एस सेंटेंस अरेंजमेंट चल रहे हैं मैंने एनडीए और सीडीएस में इसमें पैटर्न लिया है ये सीडीएस में भी है एनडीए में भी है ठीक है तो ये है भाई आ, सर वीडियो कब देखनी है जब आपको नींद आ जाए उसके बाद देखिए और सुबह उठने से पहले देख लो ठीक है तो जब भी आपकी इच्छा हो आप देख सकते हैं भाई एक आंसर सी आया है चलिए देखते हैं इन दिस लाइफ देर आर नो गेंस विदाउट पेंस बिल्कुल सही बिना कष्ट के जिंदगी में कुछ नहीं मिलता बिना कष्ट के जिंदगी में कुछ नहीं मिलता ठीक विक्ट्री इज रियल ट्रियम्फ अनलेस द फॉय इज वर्दी मतलब विजय का आनंद भी तब तक नहीं ले सकते जब तक कि हमारा जो दुश्मन है फोय दुश्मन वो योग्य न हो ठीक और इससे इससे बात को आगे बढ़ाया उसी थीम को आगे बढ़ाया पर देखते हैं लाइफ इंडिड जिंदगी वास्तव में वास्तव में ठीक है जिंदगी वास्तव में संजय दत्त वाली वास्तव नहीं ये जिंदगी की वास्तव डिफिकल्टीज जिंदगी क्या होगी बिल्कुल dull हो जाएगी यदि जिंदगी में कठिनाइयां न आए तो बोथ विनर एंड लॉसर एंजॉय अ गेम मोस्ट इफ इट इज क्लोजली कंटेस्टेड टू द लास्ट मतलब मैच का मजा तभी है और जीतने का मजा तभी है हारने का भी मजा तभी है जब हमने भी अच्छी तरह से हारा अच्छी तरह से जीता ठीक है अब यहां पर बात चली किसकी विनर की लॉसर की बात आ गई यहां पर अर्थात गेम की बात आ गई गेनर्स ये देखो गेनर्स लॉस देर जेस्ट जेस्ट का मतलब होता है उमंग जेस्ट मतलब जोश इफ देर इज नो रियल स्ट्रगल मतलब अगर स्ट्रगल ही नहीं है जिंदगी में तो जो गेन करने वाला है वो भी उस उमंग को खो देता है Like one, अब वेदर वी लाइक इट और नॉट लाइफ इज वन कंटिन्यूस कंपटीशन अब जिंदगी हो चाहे ना हो पर जिंदगी कंपटीशन वाली होनी चाहिए वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि कंपटीशन हम दे रहे हैं सर इसमें तो सारे सेंटेंसेस एक दूसरे से डिफरेंट है ठीक है बिल्कुल डिफरेंट है बट है क्या है तो एक ही चीज और वो कौन सी गेन और पेन वाली बात है अब गेन और पेन वाली बात है तो हम कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश करेंगे आपने आंसर सी बताया अब सी से जरा एक बार पढ़ के देख लेते हैं सी से पढ़ के देख लेते हैं भाई क्यू इन दिस लाइफ ये देखो और यहां भी बात चली लाइफ की थोड़ा मैच हुआ लाइफ और लाइफ 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 मैच हुआ तो जब लाइफ लाइफ मैच हुआ तो हम बिल्कुल थोड़ा सही जा रहे क्यों तो इधर भी है क्यों तो इधर भी है लाइफ इंडिट वुड बी डल इफ देयर वर नो डिफिकल्टीज ठीक है आर से बोथ विनर एंड लॉसर एंजॉय गेम मोस्ट इफ इट इज क्लोजली कंटेस्टेड टू द लास्ट बिल्कुल बात चल रही है अब यहां पर विनर और लॉसर दोनों की बात आई जिंदगी के अंदर विजय भी होते हैं जिंदगी के अंदर लॉस भी होते हैं तो आर उसके बाद वाक्य में आना चाहिए क्योंकि वो भी मैच कर रहा है फिर गेनर लॉस अब यहां विनर और लॉसर की बात चली तो यहां पर भी ये देखिए यहां भी उसी की बात चल रही आगे बात बढ़ी एस गेनर्स लॉस देर इज नो रियल स्ट्रगल फिर पी नो विक्ट्री इज रियल ट्रियम्फ अनलेस द फॉय इज वर्दी और उसके बाद फिर हमने लाइफ के बारे में बात करी तो एक देखा जाए तो अप डाउन अप डाउन ये सीक्वेंस चल रहा है तो ये सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है कारण एक ही चीज को आगे कनेक्ट किया गया है आगे कनेक्ट किया गया है इसलिए इसे सी आंसर बिल्कुल सही है क्लियर है सी आंसर बिल्कुल सही है अब हम आगे बढ़ते हैं सर ये आंसर क्यों नहीं हुआ ये तो चलिए इनको तो हटाते हैं आंसर क्यों नहीं हुआ भाई क्यू के बाद ऐस नहीं बैठ रहा हमारा क्यू के बाद एस इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि यहां पर कहीं पर भी विनर लॉस की बात नहीं चली और यहां ये गेनर लॉस की बात आई है इसलिए हमने इसे बी को सही नहीं माना तो आंसर हमारा सी है वो बिल्कुल सही है चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन फेलियर की बात यहां भी देखो एक मोटिवेशनल बात है तो पहले आप एक रीडिंग लगा लो क्या है मैच करने की कोशिश करें उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं एक आंसर ए ऑप्शन आया चलिए देखते हैं और लोगों के इधर कोई आंसर ठीक है बिल्कुल 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 आप चाहें तो फ्रेश होके भी आ सकते हैं ठीक है फ्रेश भी होके आए बस मोबाइल हाथ में लेके ना जाएं क्योंकि आप फिर इतने खो जाएंगे क्लास में कि उठ के चल देंगे बिना धोए तो बिल्कुल सही है बिल्कुल यस भाई एक आंसर आपका ए ऑप्शन एक आंसर ए ऑप्शन है जरा ए से भी पढ़ के देखें क्या मामला है फेलियर इज नथिंग टू बी अशेम्ड भाई इनको सोल्व पैराग्राफ को सोल्व करने से पहले एक एक लाइन जरूर पढ़ लेना और जो वर्ड कॉमन है उन्हें समझने की कोशिश करना तो फेलियर इज नथिंग टू बी अशेम्ड फॉर अशेम्ड ऑफ किसके लिए फॉर देर इज हार्डली एनी मैन हु हैज नॉट फेल्ड इन लाइफ नॉट वंस बट मेनी टाइम्स तो फेलियर हालांकि शर्म वाली बात नहीं है अगर नाकाम हो जाए तो शर्माइए मत क्योंकि यहां धरती पे शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ होगा और एक बार नहीं बल्कि कई बार तो बात किसकी चल रही है बात चल रही है फेलियर की ठीक है फिर आप बोल रहे हो कि ए आंसर है तो आर से फ्रॉम द लिटिल चाइल्ड बचपन से हु ट्राइज टू स्टैंड वुड बी कॉन्कर अब बचपन से एक बंदा जब खड़े होने की कोशिश करता है तो वो विजय हो जाता है हु ट्राइज टू कॉन्कर सम न्यू टेरिटरी एवरी टू फेस एवरी वन हैज फेस फेलियर यहां थोड़ा सा थीम मुझे चेंज नजर आ रहा है क्योंकि यहां चाइल्ड की बात चलते चलते फिर कॉन्करर की बात आ गई विजेता की बात आ गई इधर भी विजेता की बात आ गई तो मुझे आर से तो स्टार्टिंग तो लग रही है आर से स्टार्टिंग तो लग रही है क्योंकि तीन ऑप्शन हमारे आर से भी हैं तो हमें बहुमत की सरकार माननी पड़ेगी फिर आर के बाद देखते हैं आपने एस जोड़ा है इफ वी फेस अवर फेलियर बॉडीली एंड रिजोल्ट टू फाइट अगेन तो वी आर श्योर टू अचीव विक्ट्री इन द लॉन्ग रन बिल्कुल ठीक है भाई अगर हमने नाकामी का सामना किया है फाइट हमने लड़ी है तो निश्चित ही हम जिंदगी की लंबी दौड़ में विजय हुए हैं फिर क्यों आपने जोड़ा है इट हैज बिन वेल सेड ऐसी कहावत भी है यहाँ गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया भाई यहाँ एस के बाद क्यू ये नहीं बैठेगा एस के बाद क्यों नहीं बैठेगा क्यों क्योंकि यहां पर एक कहावत की बात कही है अब कहावत की बात भाई जो फेलियर की बात है थीम यही है थीम यही है तो आगे यहां पर फिर आपने विजेता की बात हुई है विजेता की बात चलो उसी बात को हमने एक उदाहरण के साथ समझाया समझाने के बाद फिर हमने एक कहावत भी दी है कहावत भी दी है तो इसका मतलब ये हो गया कि आर के बाद सीधा Q आना चाहिए क्योंकि उसी बात को कहावत से हमने समझाया है और आर के बाद क्यू हमारा इस ऑप्शन में है इसलिए आंसर ये होगा फिर भी पढ़ के देखते हैं मांग में सिंदूर भरने से पहले एक बार देख लेते हैं क्या हम सही भी है या नहीं है पी और एस को जोड़ के देखते हैं व्हाट इज इंपोर्टेंट इज द वे वी टेक अवर फेलियर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम फेलियर को किस रूप में लेते हैं पी के पी के बाद फिर एस इफ वी फेस अवर हाँ यस इसी बात को पी वाली बात को ही फिर यहां पर ये यह देखिए आगे बढ़ा है तो ये सही है तो डी ऑप्शन हमारा सही है बी नहीं बैठ रहा डी बैठेगा क्यों बैठेगा कारण देखिए मैं इनको हटा रहा हूं एक बार और क्लीन कर रहा हूं और देखिए पी और एस बैठ रहा है पी और एस क्यों बैठ रहा है पी और एस क्यों बैठ रहा है क्योंकि यहां बात बताई इंपॉर्टेंट इज द वे वी टेक अवर फेलियर हम नाकामी को किस रूप में लेते हैं और उसी बात को एस में बताया कि यदि हम नाकामी का सामना करते हैं बहादुरी बा, के साथ और उस नाकामी का समाधान भी निकालते हैं फाइट करके तो निश्चित ही हम विजय होते हैं तो यही थीम को इसी थीम को एस में आगे कंटिन्यू किया गया है तो पी और एस एक साथ आने चाहिए इसलिए आंसर और पी और एस एक ही ऑप्शन में है इसलिए आंसर हमारा डी बैठ रहा है ठीक है अब देखिए एक और चीज कई बार क्या होता है कि ऐसे जो पैराग्राफ आते हैं ना वो पैराग्राफ में हमें हमें क्या करना पड़ता है एक एक सेंटेंस में थोड़ी सी हिंट लेनी होती है बस थोड़ी सी हिंट दो अल्फाबेट की दो उसके अल्फाबेट को मैच करने की आप कोशिश करिए तो आप आंसर के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे ठीक है चलिए कल से पी आर एस कल तो सेंटेंस वाले थे आज मैंने पैराग्राफ वाले लिए अगले वाले में हम सेंटेंस वाले ज्यादा लेंगे ठीक है पर लास्ट में बीच बीच में हम लोग कुछ पैराग्राफ वाले भी लेंगे तो डी आंसर हमारा सही है चलिए ये तो थोड़ा इजी होगा क्योंकि ये चाइना की बात है तो थोड़ा इजी होगा अब देखिए आपका आंसर क्या होता है एक रीडिंग लगाइए इन चाइना देर इज नो मैन इन द मून अब ये, no ये। चाइना में सी ऑप्शन बता रहे हैं आप चलिए मैं पढ़ के देखता हूं एक बार इन चाइना देर इज नो मैन इन द मून दे आर एक्सचेंज बिटवीन दे आर एक्सचेंज कौन दे आया तो इसका मतलब पहले प्लियल नाउन होना चाहिए अब प्लूरल नाउन क्या दे आर एक्सचेंज वो एक्सचेंज की जाती है फ्रेंड्स के बीच में वाइल्ड चिल्ड्रन रिसीव टॉय पकौड़ाज और बच्चों को वो पकौड़ास खिलौने दिए जाते हैं जो मिट्टी से बने होते हैं These cakes, ये cakes, कौन से केक सवाल उठता है इसका मतलब पी और पी से स्टार्ट नहीं होगा क्यू से स्टार्ट नहीं होगा और है भी नहीं तो सारे सब आर से स्टार्ट है तो हम आर से ही पढ़ के देखते हैं इंस्टीट देर इज अ टॉड इन द मून अब यहां पर इन चाइना देर इज नो मैन इन द मून मतलब ये कहावत है मतलब ये कि चाइना के अंदर जो केक भी बनते हैं जो भी चीजें बनती हैं वो सारी सब ऐसा लगता है जैसे कि वो खिलौने के रूप में बनती हों ठीक है तो देर इज अ टॉड इन द मून और कहते हैं कि चांद पर एक मेंढक है एज वेल एज मून रेबिट्स भी हैं और गॉडेस भी हैं तो ये सारे इमेजेस हैं ये वाकई में वो बात नहीं है और आर से तो स्टार्ट हो रहा है पर अपने को ये देखना है ऑल दीज अपियस ये सारी सब चीजें अपियर होती हैं तो दिमाग में फिर सवाल उठता है कि कौन सी चीजें अपियर होती हैं ये सारी सब चीजें अपियर होती हैं कौन सी टॉड इन द मून मून रेबिट्स और अ गॉडेस ये सारी सब चीजें डेकोरेशन में केक मून के गोल जो केक होता है उसके ऊपर ये सारी चीजें रख दी जाती है बनाई जाती है बेक की जाती है क्या करने के लिए सेप्टेंबर में मून्स डे मनाने के लिए ये चलो ठीक है आर के बाद एस बैठना चाहिए और आर के बाद एस ये सही है क्यों क्योंकि ये दीज ये दीज थिंग्स ये कौन सी चीजें ये सारी सब ये चीजें ठीक है ये सारी सब चीजें तो इसका आंसर हमें मिला ये यहां पर तो आर के बाद एस आना चाहिए चलिए सी आंसर बैठ रहा है पर फिर भी पढ़ के देखते हैं फिर क्यों आना चाहिए दीज केक्स भाई ये केक ये देखो मून केक्स तो दीज केक्स ये देखिए दीज केक्स ये आया इसका मतलब ये हुआ कि आर के बाद एस एस के बाद क्यू होना चाहिए तो आंसर हमारा ये हुआ ठीक है तो ये आंसर हुआ भाई जरा सी से पढ़ के देखो आपको पता चल जाएगा सी से पढ़ के देखिए आपको पता चल जाएगा ठीक उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी एक बार रीडिंग करके देखो मैंने हिंट मैं फिर हटा रहा हूँ इनको भाई सबसे पहले बात ये आई ऑल दीज अपियर ये सब चीजें अपियर होती है डेकोरेशन में तो कौन सी चीजें ये देखिए आंसर मून रेबिट्स और गॉडेस इसका आंसर ये आ गया फिर बात आई किसकी दीज केक्स की तो कौन सी केक्स भाई ये मून केक्स की बात इसका आंसर यहां मिल गया तो हम सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हुआ ठीक है सी आंसर सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी ये भी एक स्टोरी बेस है तो आई थिंक आप लोग बता दोगे स्टोरी बेस है तो जरा ट्राई करके देखो क्या हो सकता है व्हेन अली बाबा रिटर्न ही कॉल्ड हिज वाइफ जब अली बाबा वापिस आया तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया तो पत्नी को बुलाया है, तो सबसे पहले बात कौन करेगा ही अली बाबा ही बात करेगा तो ही ने कहा आई हैव बॉट यू ज्वेल्स मैं तुम्हारे लिए कुछ गहने लाया हूं तो फिर पत्नी पूछेगी हाँ कहाँ से लाए तो कहाँ से लाए तो जाहिर है पति पत्नी को सारी बातें पति की पता होती है तो हो सकता है कि सी सेट टू हिम हैव यू स्टोलन क्या तुमने ये चीजें चुराई इसका मतलब पहले क्यू फिर पी ऐसा साथ आना चाहिए फिर आदमी जवाब देगा क्या बी क्वाइट एंड डू नॉट फ्राइटन योर सेल्फ शांत रहो और अपने आप को डराओ मत ठीक है ही के बाद फिर कौन कहेगा सी कहेगी अवर डेज ऑफ माइजरी आर नाउ एट एन एंड तो अब हमारे जो बुरे दिन हैं, वो अब खत्म हो गए तो आदमी क्या कहता है गो टू योर ब्रदर्स हाउस एंड गेट अ मेजर मतलब जाइए भाई के पास जाइए और वहां से मेजर कुछ इसका उपाय लेके आइए हाँ उपाय लेके आइए तो जाहिर है हमारा क्यू के बाद पी आना चाहिए क्यू के बाद पी है और उसके बाद एस और आर है बिल्कुल सही आंसर हमारा ये हुआ ठीक तो आंसर ये सही है अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन पे भाई ऐसे डायल अब एंटोनिम की बात आ गई अब एंटोनिम की बात आ गई एंटोनिम भाई वर्ड मैंने जैसे कल कहा था कि हम वर्ड वही ले रहे हैं जो वर्ड के जैसे तीन ऑप्शन है तो तीन सिनोनिम होंगे और अभी तो ये एंटोनिम है जब हमने सिनोनिम लिए थे तो सिनोनिम में क्या किया था एक वर्ड लिया था उसके ए बी सी और डी तो तीन तो सिनोनिम सिनोनिम थे और एक सॉरी तीन एंट हा हा तीन एंटोनिम थे और एक हमारा सिनोनिम था अब हमने लिए एंटोनिम एंटोनिम में कोई सा भी जैसे ही वर्ड है अब इसके जो ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे वो ये होंगे कि तीन तो सिनोनिम होंगे और एक हमारा कोई एंटोनिम होगा अब एक्साइल का मतलब तो वनवास होता है ठीक देश निकाला होता है अब ऐसे में हम जाहिर क्या करेंगे क्योंकि यहां पर एक्स पैट्रिएट है अब एक्स पैट्रिएट का मतलब क्या है प्रवासी जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाए अब प्रवासी अब इसके देखते हैं डिपोर्ट डिपोर्ट मीन्स वाट बात यहां आती है भाई अब बोले ना अब वकेब आ गई है तो वकेब के भी तो बताइए हाँ एक निर्वासित होना या ये कहें कि एक जगह से दूसरी जगह जाना अब एक जगह से दूसरी जगह जाना तो उसको भी हम ये भी कहते हैं डिपोर्ट भी कहते हैं ठीक है वनवास में भी एक जगह से दूसरी जगह ही जाते हैं ये भी एक तरह से मैच इसी से कर रहा है एक्सपैट और एक्स ये लग रहा है ऐसा क्योंकि यहां पर एक्सपैट है आप भी ये सोच रहे हो कि यही है बट आर आई ए टी ई आते ही तो वर्ड हमारा चेंज हो गया जरा सा हाँ एक्सपैट्रिएट रीपैट्रिएट बाय एक्स 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 मैन रीमैन एंटोनियम है एंटोनियम है इसलिए हमारा आंसर ये हुआ और देखो वर्ड भी पैट्रियट पैट्रियट बस ई एक्स इसका एंटोनियम क्या हो गया री मतलब एक्स एक्स कर दिया उस व्यक्ति को एक्समैन बना दिया सर्विस से वो निकल गया और री उसको वापिस ज्वाइन करा दिया तो एक हिंट ने हमें आंसर दिला दिया और वो है हमारा ए ये तीनों एक्सपेक्ट एक्साइल और डिपॉल ये सारे सब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाले चाहे आप प्रवासी कहें चाहे आप उसे आ, स्थान परिवर्तन कहें स्थान परिवर्तन ठीक है आप कुछ भी ले सकते हो तो अब स्थान परिवर्तन जो ना करे उसे वापिस बुलाया जाए तो उसे रिपेट्रिएट कहेंगे हाँ, स्वदेशी ये कह सकते हो खुद के देश में तो इसका ये हो गया स्वदेश वापिस आना स्वदेश में आना चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू पे आते हैं और फेट्यूटी भाई फेट्यू का मतलब क्या फॉली एडियोसी में ये देखो थोड़ा मैच ये देखिए फौली। भाई फौली का मतलब क्या मूर्खता क्योंकि फॉली में गलती भी तो होती है फॉली का मतलब गलती या मूर्खता मूर्खता ये कनेक्ट हो रहा हमारा किससे इससे और यहां पर भी देखो एक चीज कनेक्ट हो रही है और वो कौन सी इडियट ठीक है इडियट से इडियोसी अब वो कनेक्ट ये भी कनेक्ट हो रही है ये भी कनेक्ट हो रही है तो इसका ये दोनों वर्ड हमारे थोड़े से मैच कर रहे हैं और एक वर्ड होता है, एम्बेसाइल का मतलब भी ये होता है जो डल हो ठीक है जो डल हो तो तीन वर्ड्स हमारे मैच कर रहे हैं ऐसे में हमारा वर्ड क्या हुआ डिसनमेंट जिसको हम एक तरह से कहा जाए तो सेंसिबल समझदार इसे कहेंगे सेंसिबल समझदार ठीक है तो आंसर हमारा यहां भी ए हुआ डिसनमेंट तो डिसानी एडियोसी फॉली और एम्बे एम्बेसिलिटी इन तीनों का मतलब यही है नेगेटिव है और नेगेटिव है तो जाहिर है मूर्खता से संबंधित है मंद बुद्धि से संबंधित है ये वर्ड ठीक चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री फ्यूड बाय फ्यूड का मतलब तो देर वॉज अ फ्यूड बिटवीन टू फैमिलीज हाँ झगड़ा दो परिवार के बीच में झगड़ा हो गया तो यहां पर ये मतलब झगड़ा अ फ्यूड मींस झगड़ा तो ब्रॉय में भी क्या है ऑयल है ब्रॉयल में भी ऑयल है अब ऑयल है तो ऑयल लगा करके गया लड़ने के लिए ले आ जा तो ये भी अर्थ है हमारा झगड़ा ये भी है और स्ट्राइफ का मतलब भी झगड़ा है इसका मतलब भी झगड़ा है और एफरे।, एफरे ये भी इसका भी अर्थ है एक तरह से झगड़ा या फसाद ठीक है झगड़ा फसाद या कहें कि कलेश कलह कलेश या कलह ठीक ये है मतभेद ये सारे सब मैच कर रहे हैं सभी ये मैच कर रहे हैं मतभेद डिस्प्यूट तो ये सारे सब हैं अब कंजन कंजन में एक वर्ड है कंजन कंजेन का मतलब ये होता है जो व्यक्ति बिल्कुल शांत स्वभाव का हो शांति चाहने वाला और शांति चाहने वाला तो एक तो झगड़ा है और एक शांति चाहने वाला है तो यहां भी आंसर हमारा ये हुआ यहां भी आंसर ए हो गया चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट फिमब्रिएटेड फिमब्रीएटेड भाई फिम्ब्रिएटेड सर ये तो चारों जो वर्ड है ना बड़े अजीब से लग रहे हैं हमें बिल्कुल लग रहे हैं बिल्कुल सही लग रहे हैं सर क्या हो सकता है यहां पर बाई फिम्ब्रिएटेड फ्रिंज फिलामेंटस टेसल्ड और फ़िलामेंट वर्ड कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा आपको फिलामेंट वर्ड कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा ठीक और फिलामेंट जब वर्ड जाना पहचाना सा लग रहा है तो जरा सोचिए कि फ्रिंज और एक वर्ड है टैसल 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 भी एक वर्ड है तो जैसे जो झालर होती है जिसको हम ये कहते हैं कि यहां जैसे वो बैंड वाले वो जो लटकाते हैं जैसे कपड़े पहनते हैं तो यहाँ पे वो झाल रहे कुछ स्ट्रिप्स लटकी रहती है ठीक है उनको भी हम क्या कहते हैं टैसल कहते हैं किसी चीज को से डेकोरेट करना वो भी है और साथ में यहाँ पर अब्रिएटेड यह है फेब्रिएटेड का मतलब भी एक तरह से डेकोरेट करने जैसा ही है ठीक अब डेकोरेट करने जैसा ही है तो जाहिर है क्या होना चाहिए ये एक तरह से देखिए टैसल टैसल एक कहा जाए तो डेकोरेट जो चीज की गई है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना तो एक तरह से कहा जाए तो डिस्टॉर्ट करना बिगाड़ना अब बिगाड़ना तो फ्रिंज चीजें क्या होती है फ्रिंज भी चीजें होती है वो थोड़ी सी डिस्टोर्टेड होती हैं बिगड़ी हुई होती हैं बिगड़ी होते हैं तो फिलामेंटस फिलामेंट क्या होता है तार बल्ब के अंदर का जो हाँ वो होता है अब वो भी ज्यादा टाइम तक नहीं चलता क्योंकि वो भी बिगड़ जाता हालांकि प्रकाश वो भी देता है पर जब ज्यादा टाइम नहीं चलता तो वो भी क्या होता है बिगड़ जाता है तो बिगड़ जाता है तो यहां इसका मतलब भी क्या हुआ डिस्टोर्ट ही हुआ डिस्टोर्ट हुआ तो ये मीनिंग सेम आ रहे सेम आ रहे है, तो हैम का मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ डेकोरेट करना और डेकोरेट किससे करना डेकोरेट किसी शाइनिंग चीज से करना डेकोरेटेड बाय सम शाइनिंग थिंग सम शाइनिंग थिंग्स और यहां उन सबको क्या करना बिल्कुल फ्रिंज कर देना बिल्कुल फ्रीज कर देना समाप्त कर देना उसे एंड कर देना ठीक है तो आंसर हमारा यहां पर यह आया और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव हटाओ चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव गीब हा भाई यहां पर कुछ वर्ड जाने पहचाने से लग रहे हैं जाने पहचाने से जियर और स्नियर जियर और सीनियर दोनों का मतलब है मजाक उड़ाना मजाक उड़ाना अब कॉम्प्लीमेंट तो ये तो आशीष देना ब्लेसिंग करना ठीक है तारीफ करना प्रशंसा करना प्रशंसा करना इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो वर्ड छिपा हुआ है जिसका मीनिंग हमको नहीं मालूम तो ये भी इसी से मैच करता हुआ होगा क्यों क्योंकि दो वर्ड मजाक उड़ाना मजाक उड़ाना तो उसका ओपोजिट हो गया तारीफ करना तो इनका ही ऑपोजिट ये हो गया तो गिब का मतलब गिब का मतलब भी मजाक उड़ाना तो आंसर हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया किसी चीज की तारीफ करना किसी व्यक्ति की तारीफ करना किसी भी चीज की तारीफ करना यस बढ़े आगे अब क्वेश्चन नंबर ये फोर्टी सिक्स भाई बैलेड मतलब क्या बैलेड मतलब गंजा बैलेड मीन्स गंजा ठीक और स्लिक ये तो गंजा हो गया और स्लिक चिकना और स्लिक का मतलब चुपचाप निकलना ठीक है स्लिक चिकना या चुपचाप निकलना ठीक तो जो ग्लेशियल है अब यहां भी देखो ग्लैबरस ग्लैमरस ग्लैबरस ग्लैमरस अब ग्लैबरस को हमने कनेक्ट किया किससे इसको हमने कनेक्ट किया हमारे ग्लैमर से हा ग्लैमर से तो ग्लैमर क्या चमकना चमकना जो चीज चिकनी होती है गंजा होता है तो वो चमकता ही है और ग्लेस पेपर ग्लेस पेपर वो भी चमकता है तो ये तीनों यहां भी मैच कर रहे हैं तो हैंक हैंक क्या हो गया उसको रफ बनाना टू मेक रफ का मतलब है टू मेक रफ उसको रफ बनाना और कहें तो एक तरह से हाँ हा, लपेटना बिल्कुल हैंक लपेटना भी है इसका मीनिंग इसको ये कहें कि टू मेक फोल्ड्स टू मेक फोल्ड्स भाई फोल्ड करेंगे तो जाहिर है अपने आप क्या हो जाएगा वो डार्कनेस हो जाएगा ठीक है तो आंसर हमारा यहां भी बैठ रहा है ए ए आंसर बैठ रहा है ग्लैबरस इसको कनेक्ट किया हमने किस से ग्लैमर से इसको हमने ग्लैमर से कनेक्ट किया अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन क्या करता है तो मतलब मोल भाव करता है जंगली हैंगली वाइल्ड अब गाउंट ये क्या ये भी तो वही है जंगली और स्मग स्मग मतलब स्मगलिंग करने वाला कनेक्ट करो वर्ड को कनेक्ट करो तो ये सारे सब क्या है ये सारे सब है असिस्ट ये सारे सब अशिष्ट जंगली ठीक गंवार ये वर्ड यहां पर आ रहे हैं तो अटेन मतलब क्या अब ये जंगली तो ये शिष्ट हो गया ना ये हो गया क्या शिष्ट शिष्ट का मतलब हो गया कि थोड़ा सा कमजोर भी जो शिष्ट है वो कमजोर भी होता है वो स्ट्रांग नहीं होता स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ये इसका एक ये भी अर्थ है वो है कमजोर तो अब यहां जैसे ये सब जंगली हैं ये गाउंट है ये स्मग है ये सारे सब मैच कर रहे हैं तो फिर जाहिर है हमारा ये एंटोनिम क्या होगा थोड़ा सा उसका ऑपोजिट ठीक है और बिल्कुल और गाउंट का मतलब भयानक जो जंगली होता है वो भयानक भी होता है भयानक भी होता है जंगली भयानक ही है डरावना ही है क्लियर है तो आंसर यहां भी हमारा ही आया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बढ़ो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ड है हेरेंज नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ड है हैरेंज अब हेरेंज मींस क्या भाई हेरेंज डिक्लेमेशन हेरेंज जब हम कोई भाषण देते हैं शोर शराबा करते हैं तो उसे भी भाई यहां सब सारे सब रुक गए रुक गए सब ठीक है सब फ्रेश होने गए चलिए बहुत बहुत बधाई हो तो अब मम्मल बड़बड़ाना भी होता है बड़बड़ाना ठीक डिक्लेमेशन घोषणा करना घोषणा करना और घोषणा कैसे शोर के साथ शोर के साथ मतलब उसमें शोर शराबा होना चाहिए ठीक है अब शोर शराबा होना चाहिए तो बड़बड़ाता इंसान है वो तो शोर शराबा करता ही नहीं वो तो धीरे धीरे मतलब ऐसा कंफ्यूजिंग आवाज आती है समझ में नहीं आता तो इसका और ओरेशन मतलब क्या ओरेशन मतलब भी तो भाषण देना है और भाषण कोई शांति से तो देता नहीं है तो ठीक अब यहां लग रहा है हमें कि उसी का जस्ट थोड़ा सा ऑपोजिट ये है आंसर हमारा ये बैठेगा क्योंकि एफ्यूजन का मतलब भी एक तरह से स्पीच देना जिसमें क्या हो शोर हो लाउड हो ठीक है तो आंसर बिल्कुल सही है सही हमारा आंसर आंसर हो हो गया गया सी ये नाउ क्वेश्चन नंबर ए पहला पार्ट हम खत्म करने जा रहे हैं हॉस्पिटेबल तो वर्ड थोड़ा जाना पहचाना सा है हॉस्पिटल में हमारे साथ बड़ा अच्छा बिहेव होता है रोगी ठीक हो जाता है नर्स लेके भी भाग जाता है और हाँ तो बड़ा अच्छा स्वागत करते हैं भाई हॉस्पिटल में ठीक तो अच्छा स्वागत करते हैं तो हॉस्पिटल ये क्या है सोशली होते हैं ये भी <coughs> और कुछ चैरिटेबल भी होते हैं क्योंकि चैरिटेबल मतलब दानी भी है और सोशियबल सामाजिक भी है और जो हॉस्पिटेबल होता है आदर सत्कार करने वाला आदर सत्कार करने वाला वो हमारा पड़ोसी भी हो सकता है ठीक है पड़ोसी अब पड़ोसी तो जाहिर है कुछ मैच करते हुए वर्ड है पॉजिटिव पॉजिटिव है पर चर्लिस का चर्लिस तमी तो कुछ चर्लिस घास चर्लिस अब जो देखो एक यहां पर वर्ड है चरल चर एक तो होता समाज को इकट्ठा करने वाला जोड़ने वाला और यह क्या करने वाला चर करने वाला जैसे कपड़े को फाड़ता है तो वो क्या करेगा वो असामाजिकता फैलाएगा तो एक तरह से इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि बांटना अलग करना शरारत करना शरारत करना और अभद्रता करना चर्लिस अभ, जब शरारत है तो अभद्रता है अभद्रता बिल्कुल अभद्रता गवार और ऐसे लोग ये समाज में रहने लायक नहीं है इसलिए आंसर हमारा ये हुआ ठीक है हाँ बिल्कुल किडनी भी चुरा लेते हैं हॉस्पिटल में बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो पर ऐसे लोग कम ही होते हैं सब नहीं होते किडनी भी चुरा लेते हैं और जिस पैर पे प्लास्टर बांधना होता है उसको तो छोड़ देते हैं दूसरे पे बांध दे देते हैं जब उन्हें पता नहीं होता जिस दांत को निकालना होता है वो दांत नहीं निकालते वो ऊपर वाले दांत निकाल लेते हैं ठीक है चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हमारा वो है एमनेंट भाई यहां भी वर्ड थोड़ा सा जाना पहचाना ठीक अब एमिनेंट क्या कई प्रमुखता एमिनेंट मीन प्रमुखता और जो चीज प्रमुखता होती है वो इम्प्लीसिट होती है और वो इम्प्लीसिट होती है तो वो जटिल भी होती है जटिल भी होती है तो उसमें इनग्रेंड भी होता है पर एडस, ये डी वर्ड नहीं है डी अल्फाबेट नहीं है ये वर्ड है ए एस सी आई टीआई एमिनेंट प्रमुख विशेष विशेष लोग होते हैं और ये ऐसी कराने वाले होते हैं ऐसी ऐसी टीसीएस ऐसी की तेसी कराने वाले होते हैं अब ऐसी की तेसी कराने वाले होते हैं तो ये तो सारे सब प्रमुख लोग होते हैं ऐसी की कराने वाला प्रमुख कहां से होता है होता ही नहीं है इसलिए आंसर हमारा ये हो गया अब सर इसका मीनिंग तो बताओ भाई ये है विशेष विशेष और का मतलब जटिल भी होता है ठीक तो ये जो जटिल ना हो इसको कहेंगे हम सामान्य इसको कहेंगे हम सामान्य ठीक तो यहां हमने पहला एक पार्ट हमने पूरा किया अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर सेकेंड पार्ट के लिए मुझे वापस बैक जाना पड़ेगा और सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम सर्च फाइंडर और ये और आ जाइए भाई एनडीए पीपीडी एनडीए पीपीटी एक ये सैंपल पेपर ये तो फर्स्ट है तो यही वाला होना चाहिए इस ये वाला होना चाहिए देखें आई थिंक यही वाला होना चाहिए Uh, ये द रिसेंट इंसिडेंट ये तो चलिए हाँ पार्ट टू अब हम आते हैं पार्ट टू पर अब आते हैं पार्ट टू पर भाई ठीक है आ जाइए सुरेश आप भी आ जाइए भाई आ जाइए मैंने आपको बोल दिया था कल ही आ जाओ कहा गया यस yes. वेलकम वेलकम क्लास चल रही है भाई सुरेश क्लास चल रही है क्लास चल रही है देखो देखो एक पेपर हमने एक सैम्पल पेपर पूरा कर लिया हम सेकंड पे आ गए सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ अब आप जल्दी आ जाइए आपको टाइम बता दिया था मैंने बस ये कि अब इतनी दूर पंद्रह किलोमीटर दूर से आने में थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है कल से हेलीकॉप्टर में आ जाऊंगा ठीक है तो स्टार्ट हो गई बेटा स्टार्ट हो गई क्लास स्टार्ट हो गई आज की कल कल मतलब आज ही तो है कल बताई थी तो कल तो आज ही तो हुआ ठीक है आ जाइए आप आ जाइए ठीक है चलिए भाई सेकंड चलिए आपका आंसर बताइए ट्राई कीजिए क्या आंसर हो सकता है भाई द रिसेंट इंसिडेंट्स ऑफ करप्शन एम्प्लाय इलेट अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ अवर पॉलिटिकल लेटर्स भाई पॉलिटिकल लेटर्स बोलो या पॉलिटिकल लीडर्स बोलो ठीक है क्योंकि थोड़े पढ़े लिखे वो भी होते हैं यस काम जल्दी आओ भाई जल्दी सुरेश आ जाइए जल्दी ठीक है कल यस yes, आप सुनिए भाई एक आंसर आया कि अबाउट अबाउट क्या होना चाहिए अबाउट रिमूव होना चाहिए क्यों क्योंकि एक्सप्लेन क्योंकि इलस्ट्रेट 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 और डेस्क्राइब और रिस आ, रिसाइट ठीक और डिस्कस और इलस्ट्रेट को हम एक्सप्लेन भी कहते हैं एक सिनोनिम है तो ये ऐसे वर्ड्स हैं मीन्स वर्ब हैं जिनके बाद नो प्रेपोजिशन नो प्रेपोजिशन इज नीडेड कोई प्रेपोजिशन की नीड नहीं होती है ठीक उसी तरह से ये देखिए अवेक ठीक अवेट ये ये भी वर्ड हैं जिनके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा प्रेपोजन नहीं आएगा तो इलस्ट्रेट के बाद ये जो अबाउट है ये अबाउट हटेगा तो आंसर बिल्कुल सही है आपका आंसर हमारा बी ब्लॉक में है और रिमूव हटाइए किसको हटाइए अबाउट को हटाइए अब अबाउट को हटाइए ठीक तो आंसर बी बिल्कुल सही है अरे भाई जल्दी आइए मैसेज हाँ ठीक है आ, आ जाइए आप भी फ्रेश होके आ जाइए आ जाए ठीक आ जाइए आप भी आ जाइए चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये आंसर मैच हो रहे हैं आपके कोई डाउट यहां आंसर मैच हो रहे हैं जो आपने ट्राई किए ठीक है ये हमने जो सेकंड में है मैंने कहा था फर्स्ट वाले में कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके बट जो सेकंड थर्ड आगे जो होगा उनमें से कोई क्वेश्चन हमने नहीं किया कोई क्वेश्चन हमने नहीं किया कोई क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी नहीं है ठीक है इसलिए अब आप लोगों की आवाज थोड़ी सी कम आ रही कोई दिक्कत नहीं हम ट्राई कर रहे हम ट्राई कर रहे क्वेश्चन नंबर सेकेंड हैविंग फिनिस्ड अब ये देखो क्या हो सकता है जरा देखिए क्या आंसर हो सकता है ंग बाई हैविंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ये फिक्स है ये फिक्स है तो हैविंग के बाद ये फिनिश्ड आया यहां तक तो ठीक है ही ब्रेकफास्ट ही रस्ट क्विकली वो तुरंत भागा ही रस्ट वो भागा कैसे क्विकली तो एडवर्ब ऑफ मैनर है ठीक है एडवर्ब ऑफ मैनर अब कहां भागा स्टेशन पे भागा तो स्टेशन पे ही भागा स्टेशन की तरफ ही भागा स्टेशन को ही भागा तो ये निश्चित हुआ कि नहीं हुआ निश्चित हुआ तो जो चीज निश्चित हो जाती है वहां के लिए डायरेक्ट हम द आर्टिकल लगाते हैं ठीक है अब हम रोज रोज स्टेशन तो नहीं जाते ना तो जिन स्थानों पर हम कभी कभार जाते हैं वो हमारे लिए रेयर विजिटिंग प्लेस हो गया और रेयर विजिटिंग प्लेस के लिए द लगता ही लगता है तो यहां पर आंसर हमारा ये हो जाएगा टू द स्टेशन तो यहां भी बी भाई आज भी बीवी याद आ रही है आज भी बीवी आंसर आ रहे हैं ज्यादा तो आना चाहिए द स्टेशन और क्यों आया सर एक बार फिर बता दीजिए भाई रीजन ये है रीजन ये है कि जो डेफिनेट होते हैं डेफिनेट नाउन होते हैं डेफिनेट नाउन का मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि यस ये अपने आप में पूरा अपने आप में पूरा है हम ये नहीं कह सकते अस्टेशन भाई स्टेशन तो फिक्स है ना वो तो जो चीज फिक्स है तो डेफिनेट तो ही हुई जो चीज फिक्स है डेफिनेट हुई इसलिए हमने स्टेशन से पहले द लगाया और सर यहां आपने ऑनरेबल से पहले द क्यों लगाया ये भाई ये भाई एडजेक्टिव है और ये नाउन है और वो भी प्लूरल प्लूरल है तो द तो लगेगा ही लगेगा द तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि आर्टिकल द तभी लगता है जब एडजेक्टिव हो और प्लूरल नाउन हो ठीक तो द यहां पर बिल्कुल सही है और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये रिसीव आया ये भी ठीक है ये भी सही है सेंटेंस क्लियर है और एक चीज और ध्यान रखना कि जब कभी भी हैविंग और थर्ड फॉर्म हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो अगला जो सेंटेंस होता है नेक्स्ट सेंटेंस वो नेक्स्ट सेंटेंस हमेशा किस में रहता है पास्ट में रहता है ये भी फिक्स है ये भी फिक्स रूल है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा आई हैव नेवर नोन हिम हाँ यहां मुझे भी सोचना पड़ेगा क्या है भाई आई हैव नेवर नोन आई हैव नेवर नोन के बाद यहाँ थर्ड फॉर्म आई ठीक है हिम तो आई सब्जेक्ट हो गया ठीक है हेल्पिंग वर्ब हो गई एडवर्ब हो गई कोई दिक्कत नहीं है और वर्ब हो गई मेन वर्ब हो गई हिम ऑब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट हो गया उसके बाद फिर वर्ब आई तो वो कौन सी आई इनफिनेटिव आई अब ये इनफिनिटिव वर्ब तो ये हुई कि भाई इस पे डिपेंड करता है इस पे डिपेंड करता है कि आगे इन्फिनेटिव बैठेगा या जिरंड बैठेगा ठीक है इन्फिनेटिव बैठेगा या जिरेंड बैठेगा या फिर कोई प्रेपोजिशन लेकर के जिरिंड आ जाएगा तो नो ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम इनफिनेटिव भी यूज करते हैं कब यूज करते हैं जब यहां पर क्या होता है हाउ का फोड़ा होता है हाउ का फोड़ा हो आई नो हाउ टू डांस आई नो आई नो हाउ टू डांस ठीक आई नो आई नो क्या डांसिंग आई नो डांसिंग क्लियर अब यहां पर आई नो no, बीच में ऑब्जेक्ट बैठा है ऑब्जेक्ट बैठा है तो आई हैव नेवर नोन हिम मैं उसे नहीं जानता कभी नहीं जानता किस चीज के लिए किस चीज के लिए नहीं जानता फॉर फॉर आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी आईएनजी लगेगी तो टू स्पेंड की जगह आ जाएगा फॉर स्पेंडिंग तो ये आंसर बी पर मैं देखता हूं ये हम सही है या गलत है फॉर एक्सपेंडिंग ये आएगा यहां पर <coughs> आगे का पढ़ के देखते हैं आई हैव नेवर नोन हिम फॉर स्पेंडिंग एनीथिंग इवन हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्पेंड स्पेंड के बाद किस पर खर्च करना खुद के बच्चों पर और टू से नथिंग ऑफ फ्रेंड्स और फ्रेंड्स से कुछ नहीं कहना बात सही है तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि खुद के बच्चों पे पैसा खर्च कर रहा हो और फ्रेंड्स के लिए नहीं कर रहा हो तो ये सही है फॉर और स्पेंडिंग ये बिल्कुल सही है यहां पर तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है उसमें एरर हमारा ये हो गया बी में error है, to spend की जगह आ जाएगा फॉर स्पेंडिंग ठीक बने आगे चलिए सुरेश yes, आप आ गए हो ठीक है बहुत खुशी हुई आप आए बाहर आई और चेयर पे बैठते दरार भी आ गई तो अब इसमें देखें क्या है भाई वी हैव बिन स्टैंडिंग हेयर अंडर द शेड ये गड़बड़ हो गया भाई प्रेपोजिशन में हमने एक चीज पढ़ी थी हमने प्रेपोजिशन में एक चीज कौन सी पढ़ी थी हमने ये पढ़ी थी कि पेड़ की जो छांव होती है और वो छांव में इंसान बैठता है तो पूरी तरह से छांव से घिरता है पूरी तरह से छांव से घिरता है और घिरता है तो उसके लिए हम लगाते हैं इन उसके लिए हम इन लगाते हैं तो ये जो अंडर द शेड है ये गलत हो गया अंडर तो तब लगता है जब कोई टिन शेड हो ठीक कोई टिन शेड हो अब इस टिन शेड के नीचे बैठे हैं तब हम अंडर का यूज करेंगे तो यहां अंडर गलत हुआ और यहां भी देखो फिर बी आंसर बी आ रहा है अंडर की जगह लगेगा इन ये आंसर हुआ यहां पे और तो कहीं एरर कुछ दिख नहीं रहा 45 मिनट्स ठीक है फॉर द लास्ट है हमारा सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस वाला होना चाहिए वो भी सही है और वेटिंग किसका वेटिंग रेन्स का वेटिंग भाई एक होता है रेन रेन का प्लूरल नहीं होता ठीक है वर्षा का प्लूरल नहीं होता पर अगर हम रेन्स कर दें तो उसका अर्थ होता है बोछार उसका अर्थ है बोछार ठीक तो बोछार टू लेट आना अप फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू कम इसका अर्थ है टू कम तो आंसर हमारा ये हो गया ठीक है इनका यूज होगा बिल्कुल सुरेश इनका यूज ही होगा अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भाई नीदर नीदर नोर वाला ये नीदर नोर वाला फॉर्मूला फिर याद दिला रहा हूं नीदर नोर वाला फॉर्मूला नीदर नोर तो हमने ये पढ़ा था कि नीदर और नॉर हो इसके और एक वो भी पढ़ा था हमने इधर और, और, और हमने ये भी पढ़ा था नॉट ओनली बट आल्सो बट आल्सो ये भी पढ़ा था हमने हमने ये चीज पढ़ी थी कि इनके बाद एक सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट फर्स्ट कहलाएगा और इनके बाद एक सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट सेकंड कहलाएगा तो सेकंड के अनुसार हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ठीक है तो के अनुसार के अनुसार हम हेल्पिंग मेन वर्ब लगाएंगे तो डॉक्टर यहां सिंग सिंगुलर है ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया हिज असिस्टेंट ये सेकेंड हो गया तो असिस्टेंट तो सिंगुलर है तो ये वर्क कहां बी तो बी भी, भी. भी भी, भी आ रहा है तो यहां आएगा वाज आएगा इन प्लेस ऑफ वर वर्क के प्लेस पर ठीक तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बिल्कुल उसके अनुसार ही आएगा सही है सेकेंड के अकॉर्डिंग ही आएगा अब क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाए हम ये फॉर्मूला ध्यान रखना थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर सिक्स अरुणा नॉट ओनली ये देखो फिर नॉट ओनली बट आल्सो वाला अब यहां नॉट ओनली बट आल्सो वाला फॉर्मूला कौन सा है भाई देखते हैं नॉट ओनली नॉट ओनली और बट आल्सो मुझे वही चीजें वापिस लिखनी पड़ेगी और इधर और 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 नीदर और बढ़ेंगे हम आगे नॉर पे और मैंने एक तो वो बात बताई थी कि इनके बाद सब्जेक्ट और एक और बात बताई थी कि इनके बाद सब्जेक्ट तो इनके बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए इनके बाद अगर वर्ब है तो इनके बाद भी वर्ब होना चाहिए इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो इनके बाद भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए इनके बाद अगर प्रेपोजिशन है तो इनके बाद भी प्रेपोजिशन होना चाहिए तो यहां बट ऑल्सो के बाद देखो फर्स्ट फॉर्म आई जी है तो फिर नॉट ओनली के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आई होना चाहिए वो नहीं है नहीं है इसका मतलब ये कहाँ आएगा इस जगह आएगा तो हमारा एरर ए में है तो आना चाहिए स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग ये आंसर हो गया ठीक है तो सब्जेक्ट टू बेटा वो तो पास्ट की बात हो गई अब अब मैं तो क्वेश्चन नंबर अगले पे भी आ गया ठीक है सिक्स में हमारा आंसर ये हुआ चलिए बढ़े आगे यस बढ़ो आगे क्वेश्चन नंबर सेवन भाई बता सकते हो ये तो इजी है क्वेश्चन नंबर सेवन तो इजी है आई थिंक बता सकते हो कोशिश करो कोशिश करने वाले की एक बार हार जरूर होती है पर अगले बार जीत जरूर होती है ठीक है हो गया बेटा पहले आएगा आंसर ही हो गया ठीक है हालांकि गैप चांद से इधर तक मैसेज पहुंचने में टाइम लगता है तो आपका इधर मैसेज पहुंचने में भी टाइम लगेगा सही है हाँ बिल्कुल अलोंग विथ की जगह एंड आएगा बिल्कुल सही क्योंकि जोड़ा है बोथ और एंड का ठीक जोड़ा है सर आपने तो हमें एक और बात बताई थी कौन सी बात बताई थी लिखो लिखते हैं अलोंग विथ और एज वेल एज together विथ together विथ ठीक और besides ठीक है रेदर देन रेदर देन और इन एडिशन टू इन एडिशन टू आपने ये भी बात बताई थी हमें कि ये कनेक्टर हो इनसे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज करते हैं और इनके बाद भी एक सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट टू कहलाएगा बट फर्स्ट वाले के अनुसार के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज करते हैं तो सर ऐसा भी तो हो सकता है द रिच ये सिंगुलर है सर दर इच प्लूरल है क्योंकि सारे अमीर सारे अमीर तो फिर ये देखो ये आ गया तो आप इसको हटा दीजिए बोध को हटा दो वो भी तो हो रहा है आंसर वो भी तो हो रहा है पर यहां बात चल रही है किसकी यहां अमीर और गरीबों की बात चल रही है इसलिए हम यहां से बोध को नहीं हटाएंगे बल्कि इसको हटाएंगे और यहां लगाएंगे एंड <coughs> क्यों सर वो इसलिए क्योंकि यहां केवल सारे अमीरों की बात नहीं चल रही यहां तो बात चल रही है गरीबों की भी गरीबों की भी बात चल रही है तो हमें ए में एरर लेना है और एंड आएगा इन प्लेस ऑफ अलोंग विथ इसके प्लेस पर ये आएगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो आगे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट भाई ये भी हम पढ़ चुके हैं क्लास में ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ चुके पर जो एरर यहां आ रहे हैं वो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं तो जरा आप सोचिए क्या आंसर हो सकता है क्या यस हाँ सर क्या नहीं आएगा और नहीं आएगा तो और क्या आएगा बताइए जल्दी 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 जल्द। <coughs> बेटा देखो सेल्डम नेवर लिटिल नो सुनर हार्डली स्केरसली ये कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जिनके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है तो ये फॉर्मूला हमारा कौन सा ये फॉर्मूला हमारा इन्वर्जन का बट यहां पर तो सेल्डम के साथ एवर भी लिखा हुआ है भाई सेल्डम मतलब कभी कभी और एवर मतलब भी कभी कभी बिल्कुल तो दोनों का तो मीनिंग सेम आ रहा है तो जब दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है तो ये सुपर प्लस हुआ कि नहीं हुआ दोनों का मीनिंग सेम है मीनिंग सेम है तो ये हमारा प्लस वाला नियम हो गया मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्ड अनावश्यक वर्ड हो गया ये अब अनावश्यक किसको हटाएंगे सेल्डम को हटाएंगे या एवर को हटाएंगे जब हमने एडवर्ब पढ़ी थी तब हमने एक चीज देखी थी ये एडवर्ब वाला क्वेश्चन है कि सेल्डम का जोड़ा एवर नहीं बल्कि नेवर होता है सेल्डम और नेवर कभी कभी या कभी नहीं तो यहां पर और बात भी या या ये आई है मतलब मैंने कभी भी किसी भिखारी को बिना कुछ दिए भेजा नहीं ठीक तो यहां ये एवर की जगह पर नेवर आएगा तो ए में एर है आना चाहिए नेवर सर अगर हम और एवर को ही हटा दें तो और एवर को हटा दें तो फिर अर्थ तो ये निकल गया कि हमने कभी कभी बिना दिए ही भेजा है भिखारी को बिना भीख दिए हमने भेजा ये तो अर्थ उल्टा हो गया उल्टा हो गया तो वो बैठेगा नहीं तो मैंने कभी भी नहीं भेजा ये होना चाहिए कभी भी नहीं भेजा यस <coughs> yes? बढ़े आगे चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन भाई कि आपका आंसर बताइए लाइक like ही बीकेम मोर कॉम्पोनेंट ही वॉज गिवन मोर इंटरेस्टिंग वर्क वो ज्यादा कॉम्पोनेंट हो गया कॉम्पोनेंट का मतलब होता है एबल सक्षम तो कैपेबल <coughs> क्या आंसर हो सकता है <coughs> वो क्या बोटल है <coughs> कि बहुत है इससे तो ना ही लेंगे टाइफाइड का असर आज ज्यादा दिख रहा है कल इतना नहीं दिख रहा था आज दिख रहा है चलिए भाई यस भाई लाइक याद की याद करो कि लाइक के बाद एक अगर हम इसे वर्ब लें अगर हम इसे प्रेपोजिशन का सेंस लें तो आगे तो प्रोनाउन जब भी आएगा वो ऑब्जेक्ट केस होना चाहिए ठीक है ऑब्जेक्ट केस होना चाहिए बट ये तो सब्जेक्ट केस है क्योंकि यहां पर यह देखो बीके में तो वर्ब आ गई वर्ब आ गई तो हम यहां लाइक के बाद ही का हिम तो नहीं कर सकते इसका मतलब यही गड़बड़ हुआ एक तो ये चीज और दूसरी चीज हमने एक चीज पढ़ी थी कि लाइक के बाद या तो सिंगुलर नाउन आता है या फिर आ, प्लूरल सॉरी या प्रोनाउन आता है क्लियर है अब यहां पर यह गलत क्यों क्या ये यहां फॉलो हो रहा है यहां फॉलो नहीं हो रहा लाइक like के बाद हमेशा सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल ही आता है सिंगुलर कभी नहीं आता लाइक like के बाद प्लूरल <coughs> नाउन या प्रोनाउन आता है और एज ये भी हमने एडवोम में पढ़ा था यह शायद कनेक्टर में कनेक्टर में पढ़ा था हमने और एज के बाद हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन ये यूज करते हैं अब ये यूज करते हैं तो जाहिर है ही तो सिंगुलर ही हुआ सिंगुलर हुआ तो हम यहां ए में एरर मानेंगे और क्या आएगा एज आएगा इन प्लेस ऑफ लाइक लाइक के प्लेस पर लाइक like के प्लेस पर ये आएगा ठीक है वॉइस का एरर बेटा वॉइस का एरर नहीं है नहीं नहीं सुरेश अभी ठीक नहीं हुआ बेटा अभी तक ठीक नहीं हुआ ये तो पंद्रह दिन लगेंगे रिकवरी होने में पंद्रह से बीस दिन लगेंगे इसलिए <coughs> 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 बढ़ू आगे क्लियर यहां अब क्वेश्चन नंबर टेन आपका आंसर बताओ आपका आंसर क्या हो सकता है बेटा आपका आंसर द बेस्ट होटल ऑफ जयपुर

सोचिए क्या हो सकता है यस एवरी जयपुर प्लेस है कि नहीं प्लेस के लिए कभी भी वैन नहीं आता क्या आता है प्लेस के लिए हमेशा वेयर आता है जहां जहां तो वैन यहां गलत हो गया तो यहां आंसर हमारा वेयर इन प्लेस ऑफ वैन वैन के प्लेस पर ये हो गया ठीक है तो आंसर ये हो गए भाई एरर के क्वेश्चन तो ये हो गए अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन वो सिनोनिम्स वाले हैं बेटा <coughs> हाँ बी आए फिर ए ज्यादा आ गए तो ये डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन क्या बने हैं उस पर डिपेंड करता है चलिए आगे बढ़े हम चले वकेब में सिनोनिम भाई ग्रिगेरियस सामाजिक ग्रिगेरियस मतलब सामाजिक ग्रैग एक रूट वर्ड है ग्रैग ग्रैग का ये रूट वर्ड है ठीक है और रूट वर्ड है तो इसका मतलब होता है सोशियल सोशियल सामाजिक अब सामाजिक है तो समाज से संबंधित कौन कौन से हैं बस सिनोनिम देखना है ना अनसोशियल ये तो उल्टा हो गया अनसोशियबल ये भी उल्टा हो गया और पिलग्रिम का मतलब तो तीरथ हो गया तो ये तो हो ही नहीं सकते तो आंसर हमारा ये हो गया तो ये हो जोड़ने वाला समाज को जोड़ने वाला तो समाज को जोड़ने वाला ठीक है तो वो एक तरह से ग्रेग का मतलब भी क्या हुआ जो सामाजिक हो इसका मतलब भी जो सामाजिक हो जो समाज को एक करने वाला हो ठीक है और बाकी पिलग्रिम ये तो तीर्थ से तो संबंधित होगा नहीं और कॉन्सोस ये देखो कॉन्सोसिएटिव कौन कनेक्ट करना किसको सोशियट को सोशिएट मतलब सोशियल उसको कनेक्ट करना तो ग्रिगेरियस मीन तो आंसर हमारा ये हुआ यस सी आंसर सही है बेटा अब आगे बढ़ते हैं बढ़ो आगे <coughs> आज तकलीफ ज्यादा हो रही है तो अब नेक्स्ट भाई कॉम्प्लीमेंट आशीर्वाद कॉम्प्लीमेंट आशीर्वाद प्रशंसा प्रशंसा ये तो हो गया प्रशंसा फ्लैटरी चापलूसी चापलूसी भी अपने आप में एक प्रशंसा जैसी है प्रेज भी ये देखो ये तो ये तो मैच करते हुए हो गए मैच करते हुए हो गए और तो ग्राइफ का मतलब क्या हो गया तो ग्राइफ का मतलब मकारी करना मकारी करना एक तरह से अपमान करना भी हो गया अपमान करना तो आंसर हमारा ये हो गया क्योंकि ग्राउस का मतलब ये देखो ग्राइप या ग्रिप है ना पकड़ भी होती पर उसमें ई नहीं लगता उसमें ठीक है अब यहां तो मीनिंग ई लगते ही तो थो थोड़ा सा चेंज हो गया ना तो मकारी करते हैं वो चापलूसी तो होते ही है पर अर्थ वो नहीं है यहां अर्थ क्या है यहां अर्थ इन प्रशंसा करना और इधर भी प्रशंसा इधर भी प्रशंसा चापलूसी भी अपने आप में प्रशंसा तो ये क्या हो गया तो ये एक तरह से कहा जाए जो प्रशंसा ना करे आलोचना करे तो आलोचक आलोचना ये अर्थ हो गया आलोचना और आलोचना तो ग्रैप का मतलब भी आलोचना हुआ तो डी आंसर हो गया हमारा ठीक है डी बिल्कुल सही है डी आंसर सही है हमारा अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हैच यस भाई ये कुछ वर्ड इसमें एक वर्ड जाना पहचाना सा है कौन सा है मार नष्ट करना ठीक है नष्ट करना और बैफल अचंबित होना अचंबित होना और डिसिपेट डिसिपेट नष्ट डिसिपेट नष्ट करना अब बताइए हैच मतलब ब्रू हैच मतलब ब्र्यू क्यों क्योंकि हैच और याद कीजिए मुर्गी हैच करती है अंडों को सहती है तो वो नष्ट नहीं करती बल्कि उसको बढ़ावा देती उसको आगे बढ़ाती है तो एक तरह से एनर्जेटिक करती है ठीक तो ये कहेंगे इसके लिए हम ये कहेंगे उन्नत उन्नत करना उन्नत करना आगे बढ़ाना तो ब्रू का मतलब भी है उन्नत करना और किसका एस डबल एस सम्मोहन एक तो है सम्मोहन और दूसरा है लिखने को भी बोलते हैं स्पेल ठीक है सम्मोहन सम्मोहन और स्पेल कैन यू स्पेल तो लिखना ये भी अर्थ आ रहा है ठीक है बढ़े आगे चलिए भाई आज मुझे वो मजा नहीं आ रहा जो कल आ रहा था क्योंकि कल कुछ ऐसे लोग भी आए थे जो देखने के लिए यस देखें बाबूराव कैसा पढ़ाता है ठीक है अब यस और आज भी हालांकि कुछ है आके चले गए कल भी आके चले गए कोई बात नहीं नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है वो है हिच अब हिच <coughs> हिच का मतलब क्या ग्लाइड रोटेट ग्लाइड करना फिसलना फिसलना उड़ना और रोटेट गोल गोल घूमना घूमना और इलाइड मीन्स लंबवत, लंबवत, ठीक स्टिकल, स्टिक स्टिक पकड़ना जकड़ना ठीक तो ज -क ना तो हिच मतलब क्या हिच का मतलब भी जकड़ना हिच मतलब जकड़ना और हिच का एक और अर्थ है और वो क्या चीज हां एक सॉरी क्या बोले हां एक आ, एक और है आ, क्या बोलते हैं झटका हिच एक ही झटके में ठीक और एक और अर्थ है इसका वो है रुकावट अड़चन अड़चन ठीक है अब ये है तो फिसलते हैं गोल गोल घूमते हैं तो अड़चन नहीं आती रुकावट नहीं आती बाधा नहीं आती बट यहां पर बाधा आई तो आंसर हमारा सी हो गई आंसर हमारा सी हो गई यस हाँ और फिकल ए, स्टिकल मतलब एक बीच में पढ़ना भी होता है बीच में पड़ा वो रुकावट डाल अड़चल मैच ही कर रहा है वो वर्ड थोड़े से सेम हो जाते हैं बाकी मीनिंग प्रॉपर मीनिंग वो एक ही रहता है ठीक है बढ़े आगे चलिए अब नेक्स्ट जगल यस अब जगल भाई यहां देखिए डिटेक्ट तो पता लगाना पता लगाना और स्विंडल धोखा धोखा करना ठीक एक्सपोज एक्सपोज करना एक तरह से बताना ही हुआ ठीक है और दिखना ठीक एनलाइटन ज्ञान होना ज्ञान होना ज्ञान की प्राप्ति होना तो जगल मतलब क्या यस अभिषेक स्विंडल बोल रहा है आपका आंसर सही है क्या देखते हैं भाई जगल हाथ की सफाई तो हाथ की सफाई जगलर याद कीजिए जगलर मदारी बाजीगर बाजीगर तो वो क्या करता है हाथ की सफाई देता है हाथ की सफाई तो धोखा ही देता है ना ही देता है तो आंसर हमारा स्विंडल होगा जगल स्विंडल ठीक है क्योंकि वो भी एक तरह से धोखा ही देता है फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़े आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्सटीन लैंग्वेज अब लैंग्वेज मत ये देखो फ्लोरिस फलना ब्लूम खिलना फ्रायु पनपना पनपना ठीक तो ड्रुप का मतलब क्या मुरझाना सूखना सूखना तो लैंग्वेज मतलब क्या मुरझाना मुरझाना तो आंसर ये तो तीन तो मैच कर रहे ठीक है और एक तरह से सूखना क्लियर तो आंसर हमारा ए हो गया आंसर ए बिल्कुल ड्रोप ड्रोप आंसर सही आ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बढ़ू आगे लीग भाई लीग तो संधि होता है ना लीग तो संधि होता है ठीक अब संधि करना एलियनेशन सक्सेशन तो सक्सेशन तो ये कहा जाए तो उत्तराधिकारी उत्तराधिकार ठीक उसी से संबंधित है और <coughs> यहां इसका अलाइन 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 मतलब संधि संधि भी तो वो एक तरह से कि भाई इसका नॉमिनेट ये है तो ये मैच कर रहे हैं मैच कर रहे हैं तो फिर ये तो और लीग लीग का मतलब भी तो संधि होता है लीग लीग मैच हो रहे हैं तो लीग मैच क्या करेंगे लीग मैच एक तरह से यस आंसर बी भी आ रहा है ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है अब इसे एक ए बता रहा है और डिवोर्स अलग होना हाँ ये अलग होना अलग होना तो कॉन्फिड्रेसी मीन्स वॉट बाई लीग मतलब संधि तो वो तो थोड़ा थोड़ा मैच तो थो कर रहा है यहां पर मैच कर रहा है पर ये लीग संधि से तो संबंधित है बट संधि से संबंधित दो वर्ड ऑलरेडी हमारे पास हैं हैं तो फिर ये से ये होगा क्यों होगा हा क्या एलिगेशन बेटा ये अलाइनेशन है ये तो अलाइनेशन वो एलिगेशन में जी उसमें तो जी आता है और यहां कॉन्फिड्रेस मुझे लग रहा है एक बार मैं चेक कर लू मुझे यही लग रहा है बी वाला आंसर लग रहा है हाँ एक मिनट देखते हैं मुझे ये वाला आंसर बी वाला थोड़ा ठीक लग रहा है लीग तो लीग एक तरह से वो संधि जैसा ही अर्थ तो वही देता है लीग मैच चल रहा है और लीग मैच चल रहा है तो एक संगठन एक संगठित होना संगठित होना संगठित होना तो जरूरी नहीं कि एक ये हो संधि हो यह जरूरी नहीं है तो संगठित होना तो कॉन्फिड्रेसी का मतलब भी संगठित होना है संगठित संगठित होना तो लीग मतलब भी वही अर्थ आ रहा है इसलिए ये सब आंसर हमारे नहीं बैठेंगे <coughs> <coughs> नेशन अनोन भी है बेटा इसका मीनिंग अनोन भी है ठीक है हाँ हाँ, और ये संगठन से संबंधित है ये संगठन से संबंधित है इसलिए मैं भी यहां कंफ्यूज हो गया कि कहीं ये तो नहीं है क्योंकि सक्सेशन सॉरी सेसेशन 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 ये, से स, सेशेशन, 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 ये तो ये एक अंत इसका एक और मीनिंग है वो है अंतराल ठीक है एक मीनिंग और है वो है अंतराल भी है आप तो ये संगठित होना है इसलिए ये अलग होना भी है सेपरेट होना भी है इसका तो ये हाँ मैडम सेशन होता केवल सेशन होता तो वो अंतराल ही है ना अंतराल है ना भाई रिसेशन जैसे रिसेशन मींस अंतराल उसी का सिनोनिम है सेशन ठीक है से सेशन मैच ही कर रहा <coughs> यस अच्छा एक शायरी हो जाए ठीक है भाई शायरी अब शायरी क्या बताएं चलिए सुनिए शायरी शायरी भी सुनिए भाई चलिए अब जिनका डिवोर्स हो गया था मैं उन्हीं के ऊपर ले रहा हूँ एक शायरी ले रहा हूं ठीक है सारे सब ध्यान से सुनना ठीक है क्योंकि आपको लग रहा है नेग्लेक्ट करना भी है बेटा हाँ यस नेग्लेक्ट भी है नेगलेक्ट करना वो एक अलग करना नजरअंदाज करना नज़रअंदाज करना एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं बिल्कुल सही है तो देखिए एक जाते जाते नहीं एक इस क्वेश्चन के जाते जाते एक सुनिए शायरी सुनिए और शायरी यह है कि लोग लुगाए दाऊ खड़े काके लागू पाए लोग लुगाए दाऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी जाऊ लोग की जो खुद की से मोह मिलाए अर्थात <laughs> जैसे वो नहीं आता एक तरफ भगवान और गुरु खड़े हो तो किसके पैर लागे तो गुरु के पैर लगने चाहिए क्योंकि साक्षात्कार गुरु ने ही भगवान से कराया ठीक और मैंने उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया कि हस्बैंड वाइफ दो खड़े लोग लुगाई दो खड़े किसके लागू पाए तो मैं हस्बैंड के पैर लगूंगा क्यों खुद की लुगाई से मोह मिला है हेलो हाय नमस्ते दिस इज माई लुगाई <laughs> बस ठीक है खुश ठीक है अब आगे बढ़े बन ठीक है एक शायरी हो गई मैंने शायरी बता दी अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन लिथे हाँ लिथे अब लिथे क्या भाई यहां देखो इनफ्लेक्सिबल जो लचीला ना हो इन एलास्टिक जो नहीं इलास्टिक लचीला और इन इलास्टिक जो कठोर हो गया ना तो ये दोनों का मीनिंग तो सेम हो गया कठोर कठोर और स्टीफ का मतलब मतलब भी वही है ठीक है अब जाहिर है क्या आंसर हुआ प्लाबल मतलब लचीला लचीला भाई मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है हो सकता है कहीं कोई मात्रा वात्रा मिस्टेक हो ठीक है तो ठीक है धूम के तुम तो मजे <laughs> बेटा हकीकत बात बताऊं वो आज माइंड उतना काम नहीं कर रहा जितना मैं कल एक्टिव था और एक ही रीजन है टाइफाइड हो रखा है तो उसका असर अब आज दिख रहा है जबकि टेबलेट चल रही है पर असर आज दिख रहा है मेरे को आज असर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लिटिगियस क्वेश्चन नंबर 19 लिटिस जीएस जरा देखते हैं क्या है वर्ड लिटीजियस है भाई लिटिजियस मतलब क्या कंटेंसियस कहेंगे इसको इसको फैसाइल नहीं कहेंगे इसको जेनियल नहीं कहेंगे क्योंकि जेनियल में एक वर्ड छिपा हुआ है और वो है जेंटल जेनियल में एक वर्ड छिपा हुआ है वो है जेंटल जेनियल अब जेनियल में जेंटल वर्ड छिपा हुआ है तो जायरस मीनिंग पॉजिटिव आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए तो उसे हम कहेंगे प्रसन्नचित प्रसन्नचित जो खुश रहे जो खुश रहता है वो कॉम्प्लेसेंट रहता है और जो कॉम्प्लेसेंट रहता है वो फेसाइल रहता है और स बे, बेचारा लिट्टी लिट्टी चौका सड़ गया उसका पूरा लिट्टी चौका ही सड़ गया अब लिट्टी चौका ही सड़ गया तो खराब ही हो गया दुखी हो गया कंटेंसियस मतलब एक असंतुष्ट भी कहते हैं इसको असंतुष्ट अ संतुष्ट ये भी कहते हैं तो लिटीजियस वही व्यक्ति होता है जो जिंदगी से संतुष्ट नहीं होता ठीक है तो ये आंसर हो गया हमारा 19 नाइनटीन <coughs> का बी और आते हैं हम 20 क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं बढ़े आगे मैस रेट वर्ड है हमारा मैस रेट भाई यहां एक वर्ड है स्वेल एक वर्ड जाना पहचाना सा है स्वेल स्वेल का मतलब फूलना ठीक और पेम्पर में क्या होता है सर आ, मेरी शायरी और सुनाओ सुन लो हाँ ठीक है सुनाओ बेटा जल्दी सुनाओ मेरे को आवाज आ रही है आपकी जोर से बोलना यहाँ तक आवाज आ जाए ठीक है जोर से बोलना और जल्दी से बोलना चलिए कॉम्प्लेसेंट यहां आया था सर एनडीए में एक बार ठीक है अच्छा यही है शायरी ठीक बिल्कुल आया था बेटा ऑप्शंस अलग हो जाते हैं ऑप्शंस अलग हो जाते हैं और दिल की तमन्ना है कि तुझे पलकों पे बिठाऊं पर क्या करूं आई फ्लू हो गया पर तू किलो की है दिल को कैसे समझाऊं अरे भाई दिल को समझाने की कहाँ जरूरत है जब हम ये कह सकते हैं कि तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं एक नारियल तो टूटता नहीं है और चांद तारों की बात करते हैं हम ठीक है बात बिल्कुल सही है बहुत बिल्कुल अब कितर बहत्तर किलो की, की है तो उसको डाइट वाइट पे रखो थोड़ा एक्सरसाइज कराओ योगा वोगा कराओ और बाबा रामदेव के पास लेके जाओ थोड़ा सा वेट कम कराओ तो पलकों पे क्या उसको तो फूंक मार के भी आप पलकों पे क्या सिर पे बिठा सकते हो एक फूंक मारने की जरूरत है उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा फास्ट फूड खाने की जरूरत है तो फिर फूंक कहाँ से निकलेगी वो आप समझ सकते हो ठीक है अब देखिए फूल यहां वर्ड स्वेल मीन फूलना तो जो पैम्पर होता है वो पैम्पर का मतलब क्या होता है भाई पैम्पर का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है जो कहें कि संतुष्ट होना पैम्पर एक तरह से कहा जाए संतुष्ट होना संतुष्ट होना ये भी है इसका ठीक है अब यहां एक तो ये बात हो गई और मैच करते हैं अभी और भी वर्ड भाई रिप्लेनिश रिप्लेनिश अब यस पूरा करना पूरा करना और पूरा करना तो भाई सारे सब चेंज आ रहे हैं चेंज आ रहे हैं पर रेप्लेनिश का एक मीनिंग और है और वो है भरना ठीक है इसका एक और अर्थ है पूरा करना या भरना और भरना तो एक तरह से फूलना फूलना मतलब पेट भर गया संतुष्टि हो गई संतुष्टि हो गई तो तीन तो मैच कर रहे हैं हमारे अब तीन मैच कर रहे हैं तो जाहिर है हमारा हमारा आंसर आंसर क्या क्या होना 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 चाहिए चाहिए ये, ये चाहिए क्यों ए होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि मैकरेट का मतलब ये होता है कोई चीज जब अधूरी रह जाती है भाई उसको पलकों पर नहीं गोदी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आप जब हड्डियां टूट जाएगी तो पता चलेगा कि काम बिठाना चाहिए थी। ठीक भाई यहां मैंने कहा कि का एक अर्थ और होता है और वो अर्थ क्या है वो ये है कि जब मैंने कहा कि कोई ऐसा ऐसी चीज जो कि अधूरी रह जाए जिसको हम ये कहें कि एक तरह से नाजुक स्थिति नाजुक स्थिति हो तो इसका अर्थ एक नाजुक भी होता है और नाजुक होता है तो मेड मेड फी यहां भी एक है मेड और फिर क्या हुआ फ्लाई हो गई मेड फ्लाई तो जो चीज थी जो उसने बनाई वो उड़ गई तो वो चीज क्या थी वो चीज हमारी नाजुक थी तो हमारा आंसर ये हो गया तो सर फिर ये नाजुक और ये संतुष्ट होना ये तो कहीं मैच नहीं कर रहे हैं भाई इसलिए हम तो सिनो सिनोनिम देख रहे हैं ये तो उसके एंटोनिम हो गए ये तो एक एंटोनिम हो गए कोई चीज नाजुक स्थिति में है ये देखिए पानी इतना ही है तो ये हमारे लिए क्या हो गया ये हमारे लिए मेडफी हो गया और रेपलिसम्पर ये क्या हो गया ये इतना भर गया तो इसका ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ ये कवर अप हो गया ना पूरा कवर अप तो इसका ओपोजिट हुआ तो एक तरह से कहा जाए तो ये लेस है और ये हो गया आपका मच तो ये सारे सब वर्ड हटा करके देखें तो ये तो हो गया लेस की स्थिति अर्थात लिटिल की स्थिति और ये तीन हो गई हमारी इनफ की स्थिति अर्थात मच की स्थिति ये हुआ आंसर हमारा ठीक है बुरा हुआ बहरा हुआ बुरा हुआ ठीक है बहरा हुआ बुरा हुआ ठीक दोनों टांगे और टूट गई और इससे अच्छा और क्या हो सकता है इससे ज्यादा तो और बुरा ही हुआ ठीक है चलिए मैं अब कमेंट्स की तरफ थोड़ा कम ध्यान दे रहा हूं अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज वो कमेंट्स नहीं आ रहे जो मजेदार तो हो सकता है आप लोग भी थोड़ा सा तकलीफ में हो जैसे मैं तकलीफ में हूं पर नेक्स्ट क्लास में ये तकलीफ इतनी नहीं रहेगी थोड़ा सा पी खा करके आऊंगा ठीक है चले बढ़े आगे यस चलिए अब अगले क्वेश्चन हमारे किसके हैं देखें भाई सिनोनिम हो गए सिनोनिम के बाद हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं किसके आ रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के इडियम्स एंड टू गेट वंस ऑन बैक टू गेट वंस ऑन बैक मतलब अपने उसी स्थान पे वापस आना अब उस यस yes? उसी स्थान पे वापस आना उसी स्थान पे वापस आना और पी करके आना और कहना यस yes? अब आ देखे जरा किस में कितना है दम ठीक है क्यों क्योंकि मैं तेरे जगह पे आया था तेरे गली में आया था तब तेरे गली के सारे डीओजी मेरे पीछे पड़े थे और अब तुम मेरी गली में आया है अब और मेरे गली के सारे डीओजी साइड में हो जाएंगे और मैं आ रहा हूं क्या करने के लिए बदला लेने के लिए तो आंसर ये है भाई एडियम ट्वेंटी वन का ए है क्योंकि रिवेंज बदला लेना हो गया चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू टू रिम एक्रॉस टू रिम रिम मतलब गोल एक्रॉस मतलब उसे पार करना अब गोल है और उसमें उसे पार कर रहे हैं उसे पार कर रहे हैं तो जाहिर है आप क्या करोगे गोल तो क्या होता है प्ले ग्राउंड हो सकता है और उसको पार करना तो रन तो टू रन इन द प्ले ग्राउंड टू रन इन द प्ले ग्राउंड ये आंसर हो गया यस नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री टू स्टियर क्लियर ऑफ बाइ स् भी होता है ठीक है और उसको क्लियर कर दिया कर क्लियर कर दिया तो जाहिर है बिल्कुल सही कह रहे हो आप वो है अवॉइड अवॉइड करना तो कोई चीज क्लियर कर दिया उसे अवॉइड करना बिल्कुल सही बात है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्वेंटी फोर टू ब्लेज अ ट्रेल बाय ब्लेज चमकाना ट्रेल कोई रास्ता कोई रास्ता चमकाना अब कोई रास्ता चमकाना मीन्स वाट कोई रास्ता चमकाना मतलब ये हुआ कि रास्ते पे आप आगे चल रहे हो तो टू लीड द वे एज अ पायनियर मतलब नेतृत्व करना मीन्स एक तरह से नेतृत्व तो करना तो टू ब्लेज ट्रेल रास्ते पे आगे मशाल लेके चल रहे पीछे सारे सब पब्लिक चल रही है तो आप रास्ता दिखा रहे हो तो ए आंसर बिल्कुल सही है यहां ए सही है फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट लाफ आखिरी बार हंसा अब आखिरी बार क्यों हंसा भाई वो इसलिए बार हंसा क्योंकि उसने सोचा कि यस आज तो मैं विजय हो गया आज तो मैं विजय हो गया जब पति पत्नी में झगड़ा हो गया और मैंने कसम खाई मैं पत्नी के सामने नहीं झुकूंगा मैं पत्नी के सामने नहीं झुकूंगा तो मैं भी डर के मारे पलंग के नीचे चला गया पत्नी ढूंढते ढूंढते आई और पलंग के नीचे आकर के कहती है बाहर आ जाओ तो जब वो नीचे झुकी यस मेरे सामने झुक गई है मैं चाहता था मैं बाहर आ गया पर उसके बाद मैं दोबारा हंस नहीं पाया क्यों वो आखिरी आर्ग्यूमेंट था क्योंकि उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई तो ठीक है उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई अब लग रहा है मेरी भी हिम्मत थोड़ी सी टूटती जा रही है पर देखते हैं थर्डी तो करेंगे हम क्वेश्चन थर्डी क्वेश्चन तो करेंगे टू रन वन डाउन टू रन वन डाउन यस भाई किसी को नीचा करना एक तरह से उसकी आलोचना करना आलोचना करना तो टू डिस्पैरेज आलोचना करना क्रिटिसाइज करना तो इसमें आंसर सी आया हमारा आंसर सी फिर देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन बड़े गोट द सेक भाई गोट द सेक सेक का मतलब बोरा अरे अपना बोरे बिस्तर उठा और चलते बन कल से नौकरी पे मत आना क्यों एक तरह से डिसमिस कर देना उसको नौकरी से निकाल देना डिसमिस्ड फ्रॉम नौकरी से निकाल देना ठीक है नौकरी से निकाल देना चलिए गॉड द सेक मीन ये फिर नेक्स्ट है होल्ड अ कैंडल बाई होल्ड अ कैंडल ये एक स्टैंड है और ये उस पर कैंडल जल रही है ठीक है एक स्टैंड है और ये उस पर कैंडल जल रही है तो ये देखिए दिया तले अंधेरा तो जो चीज दूसरों को प्रकाश देता है जिंदगी में उसके अंधेरा ही अंधेरा होता है तो कहते हैं लाइफ इज अ कैंडल लाइफ इज अ कैंडल जिंदगी एक दिया है कीप इट बर्निंग फॉर अदर्स कीप इट बर्निंग फॉर अदर्स इसे दूसरों के लिए जलाते चलो तो जो बंदा ऐसा अपने अपने जिंदगी को एक दिए के समान समझता है जाहिर है उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती क्योंकि खुद जल करके वो दूसरों को उजाला दे देता है इसलिए आंसर ये हुआ दैट कैनॉट बी कंपेयर ठीक बिल्कुल सही अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पढ़े आगे चलिए ड्रॉपिंग नेम्स कनेक्शन नाम गिना रहा है आप उनका पहचान इतना है अभी फोन लगाता सीधा पुतिन को ओ पुतिन ओ की कर रहा? ओ आजा क्यों हुआ ओ बाइडन बुला रहा ठीक है आ जाओ इतना पहचान है तो गए तो हम चंद्रमा से भी आवाज अभी लगा सकते हैं आपको हिंदुस्तान कैसा दिख रहा है वो हमें हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा दिख रहा है भाई और क्या करें बहुत अच्छा दिख रहा है ठीक और मंगल से कैसा दिख रहा है वो मंगल से भी बहुत अच्छा दिख रहा है भाई क्या बताऊं मंगल में लाल लाल हो गया और हरा भरा पूरा पृथ्वी वो नीला हो गया तो ये ड्रॉपिंग द नेम्स मतलब अच्छे कनेक्शन के नाम गिनना ठीक चले बढ़ते हैं आगे होल बॉग एंड बाय इसको हम ये कह सकते हैं पूरा बैग ही खरीद लिया अब पूरा बैग ही भाई बॉग का मतलब तो दलदल होता है अब बॉग मीन्स दलदल अब दलदल तो जाहिर है यहां पूरा दलदल और फिर वो खरीद लिया यार दलदल को कौन खरीदता है पर हमने तो यहां कनेक्ट किया किससे बैग से पूरा बैग हमने खरीद लिया तो ये क्या हो गया पूरा कंप्लीट काम हमारा हो गया ठीक है भाई आज के लिए मैं थोड़े से मुआफी तो चाहूंगा दिल से नहीं चाहूंगा क्योंकि मजा मुझे इसलिए नहीं आया क्योंकि हिम्मत थोड़ी सी टूटती जा रही है शरीर टूटता जा रहा है आज तो बीवी से पंगा लेना पड़ेगा क्यों पंगा लेना पड़ेगा क्योंकि जिंदगी में दंगा चाहिए इसलिए पंगा लेना पड़ेगा मैं यहां पर थोड़ा सा यही एंड करने की कोशिश करूंगा बट कुछ बातें आप लोगों के लिए थोड़ी सी हिंट के रूप में बताना चाहूंगा बस दो पांच घंटे और लूंगा आपका ठीक है ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दो पांच घंटे और लूंगा ओके भाई सुरेश अभी रुकिए 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 अभी ठीक है यहां आंसर हमारा ये हो गया भाई <coughs> बात क्या थी सुनिए पढ़ाई अपनी जगह है पढ़ाई अपनी जगह है किसी भी कंपटीशन में तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं किसी भी कंपटीशन में तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक होता है थोड़ा सा हार्ड एक होता है एवरेज और एक होता है काफी कहें तो बहुत ही इजी, ठीक हमेशा ये तीन टाइप के क्वेश्चन देते ही देते हैं इसलिए ताकि किसी बच्चे के कम से कम जीरो तो नहीं आए तो बच्चे लोग क्या करते हैं जो ज्यादा नहीं पढ़ते जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वो इजी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और इजी वाले क्वेश्चन की एक तरह से देखा जाए तो कितनी परसेंटेज ओनली ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजी होते हैं तो ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन तो लगभग सारे अटेंड कर लेते हैं ठीक है सर भूल कर भी गलती मत करना बिल्कुल नहीं करना बेटा भूल कर भी गलती नहीं करना इसमें सुपर फ्लस है इसमें ये हम सुपरफ्लस है क्योंकि गलती और भूल दोनों एक ही है बस ये है कि जैसे मिस्टेक और ब्लंडर ठीक दोनों में गलती है ब्लंडर बड़ी गलती है मिस्टेक छोटी गलती है क्लियर तो दोनों एक साथ नहीं आते रिक्वेस्ट और प्लीज भी एक साथ नहीं आता क्योंकि वो भी दोनों का मीनिंग सेम है सुपर है वो अनवांटेड वर्ड अब मैं थोड़ी सी कुछ बात बताना चाह रहा हूं वो ये कि ये ट्वेंटी परसेंट होते हैं और एवरेज क्वेश्चन भी होते हैं पर उनकी संख्या कितनी होती है उनकी संख्या होती है सॉरी फिफ्टी परसेंट उनकी संख्या होती है फिफ्टी परसेंट होती है ठीक और बची तीस परसेंट वो हार्ड क्वेश्चन होते हैं तो आप जरा सोचो कि एवरेज क्वेश्चन तक आ जाओ बस आप इजी तो कर लोगे एवरेज वाले भी आप कर कर लोगे तो 70 परसेंट हमारा एरिया यहां कवर हो जाता है जो हम नहीं कर पाते कारण हम ये तो छोड़िए इसको तो जो हार्ड है ना उसको तो ही मत करिए पर 50 परसेंट में से कम से कम 50 परसेंट तो अटेम्प्ट कीजिए मतलब 25 इधर तो 25 उधर और ये 45, 45 परसेंट हंड्रेड में से इतना तो अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और एक और बात ध्यान रखना कभी भी कट ऑफ के बारे में मत सोचना क्यों नहीं सोचना क्योंकि अगर हमने ये सोचा कि कट ऑफ तो मैं इजीली कोचिंग पे या ऑनलाइन कहीं से मैं कवर कर रहा हूं तो पता चला पेपर इतना टफ आ गया कि हम कट ऑफ तक भी नहीं पहुंच पाए इसलिए हमेशा ये सोचना कि मुझे इस लेवल को नहीं यह सिलेक्शन लेवल है यह सिलेक्शन लेवल है मुझे इस लेवल को भी क्रॉस नहीं करना मुझे क्रॉस करना है किसको इस लेवल को। ये लेवल कौन सा ये मेरिटोरियस लेवल है हाई लेवल है इसको मुझे क्रॉस करना है तो जब मुझे इसको क्रॉस करना है ना तो जाहिर है जब आप पूरी छल ताकत लगाएंगे तो ये लाइन छू करके निकल जाएंगे तो देखो सिलेक्शन लेवल अपने आप बड़ी पार हो गया तो कट ऑफ के बारे में आप बिल्कुल मत सोचो क्योंकि वो अप होता है और अभी तो बढ़ ही रहा है तो कट ऑफ की बात तो मैं क्लास में भी नहीं करता कारण ये कि बेटा कट ऑफ की बात करेंगे तो बिल्कुल ये हो जाएगा कि हम केवल और केवल हम क्या कर रहे हैं हम केवल सिलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं अरे भाई केवल सिलेक्शन के बारे में सोचोगे तो ये लाइन पार नहीं हो पाएगी आप जब ये सोचोगे कि सर मेरे को तो पूरे ना 50 के 50 राइट होने चाहिए सर क्वेश्चन 50 के 50 क्वेश्चन मेरे राइट होने चाहिए मुझे तो वो चाहिए बस वो चाहिए तो आप ये देखिए आपके 50 में से पांच क्वेश्चन वो गलत हो जाएंगे गलत हो जाएंगे तो 45 भी इतना भी हमने अटेम्प्ट कर लिया तो समझ लेना समझ लेना कि यस मेरीडोरियस लाइन को पार कर गए या उसको टच कर गए हम लोग ठीक है ये तो बात हुई इंग्लिश की अब यही चीजें आप सोचना मैथ्स में अदर सब्जेक्ट्स में ठीक तो एक तो यह बात है मैथ्स के बारे में सोचना जब आपने मैथ्स अच्छा अटैम्प्ट कर लिया तो आप देखो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता अगर ये वेल well अटैम्प्ट किया वेल well अटैम्प्ट किया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो इसके बाद आप देखिए इंग्लिश में अपने आप मतलब जीएटी में अपने आप आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और अगर मैथ्स आपका थोड़ा सा सही नहीं गया ये एक तरह से बिगड़ गया कहें तो खराब गया या कहें कि बैड बिल्कुल बिगड़ गया पूरी तरह से तो आप देखिए यहां इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं है कई बार क्या होता है कि मैथ्स का पेपर खराब हो गया तो हम लोग इंग्लिश का पेपर ही नहीं देते हैं मैथ्स का पेपर देकर यार मैथ्स में ही नहीं आए ढंग के तो चले जाए तो आप निकल लेते हैं वो तो सेकेंड मीटिंग में बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं पर ऐसी गलती ना करें क्योंकि आप ये सोचोगे ऐसे तो सब हिम्मत हार के उस लाइन को छू कर के निकल लिए तो फिर पता चला अच्छा हुआ यार हम रह गए हमने इंग्लिश का भी कर दिया इंग्लिश का भी कर दिया और इतने लोग चले गए तो मेरिट अपने आप ही कट ऑफ कहां चलेगी थोड़ी सी डाउन डाउन चलेगी तो उसमें आपका भी नंबर आ गया तो एक पेपर खराब होने से आप दूसरा इवनिंग वाले शिफ्ट वाला वो अटेंड करना ही करना और ये मॉर्निंग वाली शिफ्ट को दिमाग से निकाल लेना तो इंग्लिश में जहां हमारे ये मान लीजिए कि केवल पंद्रह ही राइट हो रहे थे पता चला हमने पच्चीस क्वेश्चन राइट कर लिए इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है और एक और बात जो थोड़ी सी मुझे और बतानी है कि भाई एक बार जब सिलेबस कंप्लीट होता है सिलेबस जब हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो स्टूडेंट को ओनली थर्टी परसेंट ही कॉन्फिडेंस आता है केवल थर्टी परसेंट कॉन्फिडेंस आता है पर जब वो सिलेबस रिपीट करता है या रिवाइज करता है तो उसे फिफ्टी परसेंट से सिक्सटी परसेंट कॉन्फिडेंस आ जाता है इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है पर जब वो सेल्फ स्टडी करता है उसके बाद सेल्फ स्टडी करता है तो 80 टू 90 परसेंट कॉन्फिडेंस आ जाता है ये है 100 परसेंट कॉन्फिडेंस किसी को नहीं होता 100 परसेंट कॉन्फिडेंस तो हमको भी नहीं होता क्योंकि 50 क्वेश्चन चाहे एनडीए वाले हों या सीडीएस वाले 120 क्वेश्चन हो फिफ्टी में से फिफ्टी में तो हमारे भी राइट नहीं निकलेंगे कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन में हम भी गलती कर बैठते हैं तो 120 में भी हम दो चार क्वेश्चन में हमसे गलती होती ही होती है ठीक है फिर भी हम लोग कई कोशिश करते हैं कि सही सारे क्वेश्चंस के आंसर सही रहे तो यहाँ तो चलिए पढ़ा रहे हैं तो पेपर हम पहले ही एक बार देख लेते हैं यार वहां जाकर के कहीं गुगली ना हो जाए हमसे कोई गलती ना हो जाए बट अगर हम आप सीधा सडन ऑल ऑफ अ सडन अगर आप पेपर लें तो उतने मार्क्स हमारे भी नहीं आएंगे एक संस्थान के अंदर मेरा डेमो था और वो एक तरह से कहा जाए तो नेशनल लेवल के संस्थान है इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस है। तो एसएससी बैंक से रिलेटेड तो ऑनलाइन टेस्ट था ऑनलाइन टेस्ट था और क्वेश्चन कितने थे ट्वेंटी मात्र ट्वेंटी क्वेश्चन थे जो मुझे फिफ्टीन मिनट्स के अंदर करने थे अब 20 क्वेश्चन 15 मिनट्स में करना हो जाता है इंग्लिश में हो जाता है मैथ्स का मुझे पता नहीं अदर सब्जेक्ट का मालूम नहीं पर हो जाता है नतीजा ये निकला कि इधर क्वेश्चन है और इधर उसके ऑप्शन है ए बी सी डी ये क्वेश्चन है और इधर ये ऑप्शन है मुझे यहां क्या करना है टिक करना है बस बस टिक करना है तो गलती क्या हुई गलती ये हुई कि कर तो लिए पर पूरे बीस नहीं किए क्वेश्चन मैंने केवल पांच ही कर पाया मैं क्योंकि मैं इधर क्वेश्चन देख रहा था यार क्या आंसर हो सकता है इतने में तो टाइम जो टाइमर चलता है वो फास्ट चल रहा था तो मैं पांच क्वेश्चन ही कर पाया पांच क्वेश्चन ही कर पाया तो उसके बाद स्क्रीनशॉट संस्थान को भेजा और फोन किया मैंने कहा सर सॉरी मेरे पांच ही क्वेश्चन हो पाए और राइट वो पांच ही है राइट भी वो पांच ही थे उससे ज्यादा नहीं है सॉरी मैं शायद आपके संस्थान के लिए एलिजिबल नहीं हूं तो उधर से फिर कॉल आता है मिस जवाब आता है वो ये कहता है कि सर आप पहले से ईमानदार टीचर हो जिसने पांच ही किए और पांचों के पांचों राइट थे आगे के आपने नहीं किए लोगों ने तो क्या किए हैं सीधा यहाँ मोबाइल पे बोल करके और उधर के वो गूगल पे सर्च करके आंसर टिक किए टिक किए तो उन्होंने 20 में से उनके 18, 19 तक उनके क्वेश्चन राइट निकले हैं उनको हमने सेलेक्ट नहीं किया है असली वजह असली चीज तो अब बाकी है और वो है आपका लाइव डेमो मगर उसमें सर आप अच्छा कर लो यहां तो आपको हम मौका दे रहे हैं और यहां आपने ईमानदारी से किया इसलिए ठीक है तो जब लाइव डेमो हुआ तो उस समय दिल्ली हेडक्वार्टर से बैठे लोग बाग और देख रहे थे मैं इधर स्क्रीन पे अपना टाइपिंग करके समझा रहा था जूम पे चल रहा था उधर से क्वेश्चन आ रहे थे वो समझा रहा था वो डेमो इतना बढ़िया हुआ कि उन्होंने कहा कि यस सर वी हैव सेलेक्टेड यू उस संस्थान में दो साल काम किया तो ईमानदारी कई बार आपको सेलेक्ट करा देती है तो जिस पॉइंट को मैं कहना चाह रहा हूं वो यही है कि जितना आता है उतना ही कीजिए जितना आता है उतना ही कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके उतने अटेम्प्ट कई बार आपको एग्जाम क्रैक करा देता है ठीक ये बात थी जो मुझे आपसे कहनी थी अब बने रहिए लाइव बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन से लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ही हम थर्ड पेपर भी थर्ड सैंपल पेपर भी स्टार्ट कर देंगे ठीक है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गुड इवनिंग अस्सलाम वालेकुम असलकुम राम राम साहब खमागणी बाकी जो आप बोलना चाहें ठीक है जय हिंद